अरे वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सब मेरे साथ ही हो ना? हाँ। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 शुरू कर रहे हैं। अगेन आपको बस सुनना है मुझे और साथ साथ में क्या करना है, रिवाइज करना है। हाँ के ना? ठीक है जी, ध्यान दीजिए इधर। चलिए अगेन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो 1930 में आया था। एक्ट का मतलब आपको पता ही है, एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्पेसिफिकली लगता है तो सिर्फ गुड्स पे, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के रिलेटेड अगर कोई एक्ट है तो वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यस और नो? तो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट है ये सिर्फ स्पेसिफिकली डील करेगा किससे? गुड्स से। हाँ कि ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पे? नहीं। तो जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करेंगे तो गुड्स पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ गुड्स से डील करता है, यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सेल भी आता है और जिसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है? सेल वो होता है जहां पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। बोलेंगे सेल वो होता है जहां पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। एंड एग्रीमेंट टू सेल वो होता है जिसपे आप आज एग्री करते हो कल ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि सर जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है इन फ्यूचर, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है इन फ्यूचर और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। हाँ कि ना? तो सबसे पहले क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिसके अंदर सेल भी आता है, जिसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सेल मतलब जहां पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है? इमीडिएटली। एन एग्रीमेंट टू सेल यानी कि क्या होता है? ओनरशिप फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। यस और नो? किस लिए ओनरशिप ट्रांसफर होगी? सामने वाला प्राइस देगा। हाँ कि ना? एंड प्राइस का मतलब अपने को पता है, मनी कंसिडरेशन। हाँ कि ना? प्राइस का मतलब मनी कंसिडरेशन। किसको ओनरशिप ट्रांसफर होती है? बायर को। करता कौन है? सेलर। और किस पे ओनरशिप ट्रांसफर करता है? गुड्स पे। इज दैट क्लियर? तो अगेन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर दो चीजें, सेल है और एग्रीमेंट टू सेल है। सेल में ओनरशिप तुरंत जाती है, एग्रीमेंट टू सेल पे फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। सेलर से बायर की तरफ जाती क्या? प्रॉपर्टी। क्या जाती है? प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओनरशिप। और वो प्रॉपर्टी किसमें जाती है? गुड्स पे। वो काहे के लिए जाती है? मनी कंसिडरेशन। अब इस डेफिनेशन को अगर पकड़े तो सबसे पहले अपने को समझना है सेलर, फिर समझना है अपने को बायर, फिर समझना है अपने को गुड्स, फिर समझना है अपने को प्राइस। क्योंकि अपन ने इसमें सारे टर्म्स लिए कि सेलर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप। तो प्रॉपर्टी का भी अपने को मतलब पता है, तो सेलर पढ़ना है, बायर पढ़ना है, प्राइस पढ़ना है, गुड्स पढ़ना है। हाँ कि ना? फिर गुड्स कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेलर से। सेलर की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 13। सेक्शन 2 क्लॉज 13 में बोल रहा है सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल। सर एग्री क्यों लगाया? क्योंकि अगर सेल कर रहा है तो उसको सेल्स बोलेंगे, और अगर एग्री कर रहा है फ्यूचर टाइम में तो उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। इसीलिए यहां पे ऐसा बोला, यानी कि जो बेच रहा है और जो बेचने के लिए एग्री भी कर रहा है वो भी क्या है? सेलर। हाँ कि ना? बायर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, बायर मींस अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू गुड्स। यानी कि नीचे मेरी एक जुपिटर खड़ी है, उसको बेचने के लिए मैं एग्री कर रहा हूं, क्या मैं सेलर हूं? श्रेयांक को बेच रहा हूं, श्रेयांक भी एग्री कर रहा है, क्या श्रेयांक बायर है? सामने मेरा बंगलो, उसको मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं सेलर हूं? बंगलो इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड बंगलो इज नॉट अ गुड्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, आते हैं गुड्स की डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 7। ठीक है, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो चीज जो मूवेबल है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूव तो मैं भी करता हूं, क्या मैं गुड्स हूं? आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। सर व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? किसी से मुझे पैसे लेने हैं, उसने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया है, यह हक मेरा है, उसके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूं, यह हक गुड्स नहीं है।
ये एक हक है, ये एक्शनेबल क्लेम है। मैं क्लेम कर सकता हूं, मैं एक्शन ले सकता हूं अगर मुझे पैसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है। दिस प्रॉमिसरी नोट इज अ राइट, इज एन एक्शनेबल क्लेम, इट्स नॉट अ गुड्स। आप बोलेंगे सर देखो प्रॉमिसरी नोट स्टाम पेपर में मूव कर रहा है, वो मूव तो कर रहा है लेकिन वो मूव वेबल प्रॉपर्टी नहीं है, गुड्स नहीं है, वो बस एक हक देता है आपको एंड उसके अंदर मनी नहीं आता है। सर मनी का मतलब क्या? पैसा। मनी को क्यों एक्सक्लूड किया है? अरे गुड्स के बदले अगर गुड्स आएंगे तो वो बार्टर होता है, तो अगर मनी को गुड्स की डेफिनेशन में ले लिया तो एक तरफ से गुड्स आएगा, दूसरी तरफ से भी गुड्स आएगा, क्योंकि मनी को अपन ने किस में ले लिया? गुड्स। तो ये सेल नहीं है, ये क्या है? बार्टर। हाँ कि ना? तो इसलिए मनी को हटाया, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी and include stock, shares, growing crops and things attached to it forming part of the land which are agreed to be severed before sale. यानी कि जो ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे टाइल्स है, टाइल्स लगने के पहले मूवेबल है, टाइल्स लगने के बाद इमूवेबल है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को जो लगी हुई है लैंड से, जैसे ग्रोइंग क्रॉप से अटैच होती है लैंड से, उसको आप तोड़ते हो तो एक्चुअल फॉर्म में रहती ना, ग्रोइंग क्रॉप ही रहती ना, क्या सड़ जाती है। लेकिन टाइल्स को निकालो लगाने के बाद, टाइल्स एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहेगी, वो मलबा बन जाएगी, मलबा रॉ। हाँ कि ना? तो अगर कोई ऐसी चीज है जो अटैच्ड है लैंड से, उसको जब आप निकालोगे वो अपने एक्चुअल फॉर्म पे रहेगी। एक्चुअल फॉर्म का मतलब पहले भी टाइल्स थी, आज भी टाइल्स है, पहले भी उसका नेचर टाइल्स का था, आज भी उसका नेचर टाइल्स का है। उसका नेचर नहीं बदल रहा है, उसका फॉर्म नहीं बदल रहा है, निकालने के बाद भी लैंड से वो गुड्स ही है। लेकिन सर निकालने के बाद वो टाइल्स टाइल्स नहीं रही, वो तो रॉ मटेरियल बन गई, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, वो टाइल्स नहीं, वो गुड्स तो है बट वो टाइल्स नहीं है। हाँ कि ना? यस और नो? तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो थिंग्स अटैच टू अर्थ है विच आर एग्रीड टू बी सेवर बिफोर सेल, निकालने के बाद एक्चुअल फॉर्म में अगर रही तो गुड्स। हाँ कि ना? गुड्स की डेफिनेशन क्लियर है। लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। तीन टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होते हैं फ्यूचर गुड्स, एक होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर या तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या तो वो पजेस कर रहे हैं बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। क्या ये लैपटॉप एग्जिस्ट कर रहा है? क्या मेरे पोजेशन में है? या तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए या तो वो उसके यानी कि या तो उसका ओनरशिप होना चाहिए या तो उसका क्या होना चाहिए? पोजेशन। अरे मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मान के चलो, लेकिन लैपटॉप का बिल है जो ये दर्शाता है अर्जुन छाबड़ा उस घर पर रखे लैपटॉप का क्या है? ओनर है। बराबर है क्या? तो जिसकी ओनरशिप और पोजेशन सेलर के पास है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। हाँ कि ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस और नो? तो यहां पे एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन दी है विच आर ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एग्जिस्टिंग गुड्स अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एग्जिस्टिंग गुड्स अगेन तीन कैटेगरी में, लेकिन उसको शुरू करने से पहले वापस से आता हूं। गुड्स, every kind of movable property other than actionable claim and money or with things attached to it forming part of the land which are agreed to be severed. फिर तीन टाइप के गुड्स है, existing goods है, future goods है, contingent goods है। existing goods are goods which are owned or possessed by the seller at the time of contract of sale is made. existing goods के अंदर तीन आ जाएंगे, specific goods, ascertain goods, unascertain goods. specific goods are those goods which are identified or agreed upon at the time of contract of sale is made. Sir, which are identified or agreed upon का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरे पास तरह तरह के मोबाइल है, आईफोन भी रखा है, आईफोन 7, 8, 9, 10, 11, 11 Max Pro भी रखा है, Samsung Galaxy S7, S8, 9, 10, 11, Note की 6, 7, 8, 9, 10 सारी सीरीज रखी हुई है। श्रेयांक आता है और स्पेसिफिकली पसंद करता है सर नोट 10 प्लस पाइजे, नोट 10 भी है, नोट 10 है, मतलब नोट 10 है, नोट 10 प्लस है, फिर नोट नहीं इतना ही है, हाँ नोट 10 है और नोट 10 प्लस है। तो स्पेसिफिकली वो कौन सा सेलेक्ट कर रहा है? नोट 10 प्लस। तो इतने सारे गुड्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से एक को आइडेंटिफाई करना, एग्री करना कि मुझे उसको लेना है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। Ascertained goods, ascertained goods का मतलब क्या होता है? Which are identified in accordance with the agreement. बहुत सारे बल्क में गुड्स रखे हैं, संतरे रखी हैं, मम्मी एक एक को 360 डिग्री स्कैन करके तराजू में डालती है। हाँ कि ना? Ascertained. जब तक वो बल्क में रखे वो अनअसर्टेन थे, क्योंकि आइडेंटिफाइड नहीं थे, आपने आइडेंटिफाई किया वो क्या हो गए? Ascertained. Yes or no?
ये तो एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स में आते हैं. फ्यूचर गुड्स आर गुड्स विच आर टू बी प्रोड्यूस टू बी एक्वायर्ड और टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर. हाँ कि ना. फ्यूचर गुड्स कभी भी सेल नहीं हो सकते क्योंकि आप उस चीज को नहीं बेच सकते जो एग्जिस्ट थी. तो फ्यूचर गुड्स विल ऑलवेज बी एग्रीमेंट टू सेल जिसकी ओनरशिप फ्यूचर में ही जाएगी क्योंकि नाम में ही क्या है फ्यूचर गुड्स. कंटिंजेंट गुड्स एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टन इवेंट. पैब्लो पिकासो की पेंटिंग टाटा के पास है, रतन टाटा के पास. रियांग बोल रहा है मेरे को पहले अगर मिल जाएगी तो मैं आपको दिला दूंगा. गुड्स एग्जिस्ट तो कर रहा है बट श्रेयांक को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं. श्रेयांक को मिलेगा तो मुझे मिलेगा. कंटिंजेंसी है. कंटिंजेंट गुड्स भी हमेशा क्या होगा एग्रीमेंट टू सेल. कंटिंजेंट गुड्स भी हमेशा क्या होगा एग्रीमेंट टू सेल. आपने एग्जिस्टिंग गुड्स पढ़ा. एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है ओन्ड और पजेस्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन प्रकार हैं स्पेसिफाइड असर्टेन अनअसर्टेन. स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज identified in accordance with the agreement, ascertained, which are not identified in accordance with the agreement, that is unascertained. Future goods to be produced, to be acquired or to be manufactured. Hamesha agreement to sale hoga. Contingent goods, acquisition of which depends upon an contingency. Hamesha agreement to sale hi hoga. Kyunki JRD Tata usko Pablo Picasso ki painting dega ki nahi dega, is baat ki koi guarantee nahi hai. Kisi ko koi problem hai yahan tak? Mujhe bhi koi problem nahi hai. Goods hoga. हो गए. लेट अस कम टू द डिलीवरी. डिलीवरी का मतलब क्या होता है. डिलीवरी का मतलब होता है पजेशन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या जाना पजेशन जाना. हाँ कि ना. यानी कि कोई भी ऐसी हरकत करना जिससे आपसे पजेशन हटके सामने वाले के पास चले जाए. डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पजेशन ऑफ द बायर. डूइंग एनी थिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पजेशन ऑफ द बायर. डिलीवरी कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स. एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक. एक्चुअल का मतलब होता है फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स. एक्चुअल का मतलब होता है फिजिकल. यानी कि ये हाथों हाथ दे रहा हूं इसको बोलते हैं फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऐसी डिलीवरी होती है जिसमें गुड्स पहले भी वहीं रहते हैं जहां आज हैं, लेकिन बस ये हो जाता है पहले जहां गुड्स रखे थे जो बंदा रखा था वो किसी और के लिए रखा था, अब किसी और के लिए रखा है. सर एग्जांपल के तौर पे एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर मेरे 100 केजीस ऑफ ऑरेंजेस स्टोर हैं फ्रिज के अंदर. मैं होलसेल रिटेलर हूं. श्रेयांक रिटेलर है. मैं होलसेलर हूं. श्रेयांक क्या है रिटेलर. श्रेयांक बोलता है सर वो 100 केजीस ऑरेंजेस मुझे दे दो. मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कोल्ड स्टोरेज वाले ने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया था कि आपके कितने गुड्स यहां स्टोर हो रहे हैं. मैंने उसके पीछे इंडोर्स करके श्रेयांक के नाम से उस सर्टिफिकेट को ट्रांसफर कर दिया और उस कोल्ड स्टोरेज वाले को नोटिस दे दिया कि अब उन गुड्स पे मेरी ओनरशिप नहीं है. उसने क्या किया अपना रजिस्टर ओपन किया. रजिस्टर से मेरा नाम काट दिया और किसका नाम लिख दिया श्रेयांक का. यानी कि पहले वो मेरे लिए पोजीशन होल्ड करके रखता था, आज वो श्रेयांक के लिए पोजीशन होल्ड करके रख रहा है. गुड्स वही है बस उसकी पोजीशन का राइट मेरे से ट्रांसफर होके श्रेयांक के पास चली गई. पहले मैं जाता और अपनी मर्जी से सारे गुड्स निकाल सकता था, आधे बेच सकता था. अब मेरे पास वो राइट नहीं क्योंकि उसका पोजीशन अब और ओनरशिप भी अब किसके पास चले गई श्रेयांक की. तो जब गुड्स की कस्टडी, जब गुड्स का एक्चुअल प्लेस चेंज नहीं होता है और डिलीवरी हो जाती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी तभी होती है जब गुड्स बल्की होते हैं और आप पूरे के पूरे गुड्स नहीं दे सकते. मेरे को कार की डिलीवरी देनी, मैं आपको कार आपके सिर पे नहीं रखूंगा. मेरे को ट्रक की डिलीवरी दे रही है, मैं ट्रक आपके सर पे नहीं रखूंगा. मेरे को आपके गोडाउन के गुड्स की डिलीवरी आपको देनी है, मैं गुड्स गोडाउन के आपके सर पे नहीं रखूंगा. मैं क्या रखूंगा चाबी. डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन. हाँ कि ना. तो डिलीवरी कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स: एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक. एक्चुअल इज फिजिकल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव इज विदाउट चेंज इन कस्टडी. थर्ड डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन. हाँ कि ना. सबको क्लियर है. प्राइस का मतलब क्या होता है मनी कंसिडरेशन. यस और नो. प्राइस का मतलब क्या होता है मनी कंसिडरेशन. पक्की बात है. चलो और आपके बारे से कुछ छूट रहा है क्या. चलो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए, जिसके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बनने वाला नहीं है. एसेंशियल एलिमेंट्स विच मस्ट एग्जिस्ट. सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट का ही एसेंशियल एलिमेंट यहां पे सबसे पहला है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस टू पार्टीज.
टू पार्टीज होगा और सब्जेक्ट मैटर उस कॉन्ट्रैक्ट का गुड्स ही होगा, वो गुड्स या तो एग्जिस्टिंग हो या तो फ्यूचर हो. सर आपने कंटिंजेंट नहीं बोला, फ्यूचर गुड्स इज ऑल्सो कंटिंजेंट गुड्स ही है, क्योंकि वो टू बी एक्वायर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है. हाँ कि ना? तो टू पार्टीज होगी, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका मतलब है, और सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप जानी चाहिए. ओनरशिप जानी चाहिए किस पे और किस लिए जानी चाहिए? फॉर प्राइस, जो कि पे भी हो सकता है और प्रॉमिस भी हो सकता है. कल ही पढ़े हैं कंसिडरेशन कैन बी एंड ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. 6 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने आराम से. एक पॉइंट छोटा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में या तो ओनरशिप जाएगी एब्सोल्युटली या तो रहेगी क्या? कंडीशनल. एब्सोल्युट का मतलब आज ही ट्रांसफर कंप्लीट. कंडीशनल का मतलब कल दे दूंगा, उगेंगे तो दे दूंगा, मरेंगे तो मतलब जो भी है करके दे दूंगा. यस और नो? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ऐसे 6 पॉइंट हमेशा होने ही चाहिए. अगर ये 6 में से कोई एक पॉइंट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं है. वो कॉन्ट्रैक्ट तो है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन 6 चीज होने के बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मानता है. तो सबसे पहला बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होगा, दैट गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, ओनरशिप जानी चाहिए, ओनरशिप प्राइस के लिए जानी चाहिए, दैट कैन बी पेड और प्रॉमिस्ड, एब्सोल्यूट होगा और कंडीशनल होगा, ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इज दैट क्लियर? यस और नो? सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस आपके लिए होमवर्क है. हाँ कि ना? सेल एंड हायर परचेस. हायर परचेस इज सिंपल, वेरी सिंपल. हायर परचेस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे हायरर को जो भाड़े पे गुड्स लेता है उसको ऑप्शन दिया जाता है. तू चाहे तो यू हैव एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स बाय पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट. EMI में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है. EMI में तो बैंक वाला आपके बिहाफ में पे कर देता है और आप बैंक वाले को पे करोगे ही कंपलसरी, नहीं तो आपकी गाड़ी को सीज कर लेता है. हायर परचेज में यही तो डिफरेंट है, लेना है लो, नहीं लेना है कार वापस कर दो. हाँ कि ना? और यहाँ पे बैंक का रोल रहता ही नहीं है, यहाँ तो सीधा ओनर और हायरर का रोल रहता है. ओनर गुड्स दे देता है, उसके बदले हायरर भाड़ा पे करते रहता है. जब उसकी औकात खत्म हो जाती है भाड़ा पे करने का, कार वापस कर देता है, और भाड़ा पे करने की औकात है लास्ट तक पे करता है, उसका क्या बन जाता है? ओनर. यस और नो? चलो, हायर परचेज हो गया. सेल एंड हायर परचेज अगेन आपका होमवर्क है. बेलमेंट में आ जाते हैं. बेलमेंट, बेलमेंट, बेलमेंट सिंपल एकदम. डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑन कंडीशन व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड द गुड्स मस्ट बी रिटर्न और इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर. बोलेंगे बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन कंडीशन. सीधा नहीं, बेलमेंट का मीन्स delivery of goods for a particular purpose on condition that the goods must be returned on accomplishment of the purpose or disposed of according to the direction of the bailer. हाँ कि ना? आप किसी को भी goods देते हो. कल ही example लिया था, tailor को stitch करने के लिए goods देते हो, servicing करने के लिए showroom वालों को गाड़ी देते हो, on condition servicing पूरी हो जाएगी गाड़ी return कर देना, provided आप उसके professional charges pay कर दिए हो. बेलमेंट कैन बी ग्रेचुअस, बेलमेंट कैन बी नॉन ग्रेचुअस. दोस्त को गाड़ी दोगे ग्रेचुअस है, सर्विसिंग के लिए गाड़ी दोगे नॉन ग्रेचुअस है. यस और नो? पर्पस क्या रहता है, क्या पर्टिकुलर पर्पस है? दोस्त को गाड़ी दिए घूम फिर के वापस कर देगा, टेलर को सूट दिए स्टिच करके वापस कर देगा, शोरूम वाले को गाड़ी दिए सर्विसिंग करके वापस कर देगा, घर के रामू काका को रद्दी के पेपर दे दिए जला के आ जाना, डिस्पोज ऑफ करके आ गया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द बेलर. हाँ कि ना? तो क्या बेलमेंट में ओनरशिप जाती है? नहीं. सिर्फ पोजेशन जाता है और गुड्स वापस आ जाते हैं. क्या हायर परचेज में ओनरशिप जाती है? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. हाँ कि ना? ठीक है, इनका डिफरेंस इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको आपकी मॉड्यूल में कि आप इसको गलती से सेल समझ के इस पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ना अप्लाई कर देना. हाँ कि ना? क्योंकि जहां पे ओनरशिप जा रही है वहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग रहा है. हाँ कि ना? चलिए, डिफरेंस अगेन बहुत इजी है. सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर.
कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर इज अ सब ब्रांच ऑफ वर्क एंड ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते हो, गुड्स वापस आ जाता है. सिमिलर वे में जब भी मैं टेलर की बात किया, जब भी मैं बात किया सर्विसिंग की, आप अल्टीमेटली गुड्स दे ही रहे हो ना, लेकिन गुड्स काहे के लिए दे रहे हो? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. दैट पर्टिकुलर पर्पस इज अ वर्क एंड कि इसमें कुछ काम करो, उसको स्टिच करो, उसको सर्विसिंग करो, और अगर मोबाइल खराब हो गया रिपेयर करो. वर्क एंड लेबर लगाओ, अपनी स्किल लगाओ और वापस कर दो. तो बेलमेंट की सब ब्रांच क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. वर्क एंड लेबर में ओनरशिप जाती सिर्फ काम होता है और गुड्स वापस आ जाता है. तो ओनली डूइंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, गुड्स आर नॉट सोल्ड. यस और नो? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी चल रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान देना. ये एक बहुत बेसिक है जो जनरली आपको सबको डाउट इस पे आता ही है, ठीक है. तो आज इसको क्लियर कर लो. सेक्शन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता था, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाले भी ऐसे बनेगा. बस फर्क इतना है, या तो सेलर ऑफर करेगा अपने किसी गुड्स को बेचने के लिए और बायर एक्सेप्ट करेगा, या तो बायर ऑफर करेगा सेलर, क्या तुम अपना गुड्स बेचोगे, मैं खरीदना चाहता हूं. तो एक जने ऑफर करेगा या तो बेचने के लिए या तो खरीदने के लिए, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा. मजे की बात है सर, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद प्राइस चाहे इमीडिएटली पे हो जाए और डिलीवरी इमीडिएट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्राइस इंस्टॉलमेंट में पे हो, गुड्स इंस्टॉलमेंट में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर प्राइस पहले पे हो जाए, डिलीवरी बाद में मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर डिलीवरी पहले हो जाए, प्राइस बाद में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन. एक ही चीज याद रखनी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हाउ मेड. वन पर्सन विल मेक एन ऑफर ईदर टू परचेस और ईदर टू सेल, अनदर पर्सन विल एक्सेप्टेड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज मेड. तो मजे की बात क्या है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाए या इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी फ्यूचर डेट में हो, या इमीडिएट डिलीवरी या इमीडिएट पेमेंट हो, दूसरा इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो, और सब फ्यूचर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज मेड. यस और नो? पक्की बात है क्या? ठीक है, अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार रिपीट करते हैं. आपने सेलर की डेफिनेशन सारी, सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, बायर मींस अ पर्सन हु बायस और एग्रीज टू बाय गुड्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज क्या? सेल और एग्रीमेंट टू सेल. सेल में ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर टू फ्यूचर डेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, और प्राइस के लिए होता है और किसको ट्रांसफर होता है? बायर. और क्या ट्रांसफर होता है? ओनरशिप होती है. यस और नो? गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड इंक्लूड्स थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ ग्रोइंग क्रॉप शेयर्स क्रॉप, सब याद कर लिया अपन ने, ठीक है. उसके बाद अपन ने पढ़ा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट एग्जिस्ट. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, ओनरशिप जानी चाहिए, प्राइस के लिए जानी चाहिए, एब्सोल्यूट कंडीशनल ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑन अ कंप्लीशन ऑफ पर्पस द गुड्स आर रिटर्न. हायर परचेज इन विच हायर एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट. वर्क एंड लेबर में गुड्स सोल्ड नहीं होते हैं, only doing of some work and labor होता है. Section 5, contract of sale of goods how made. एक बंदा offer करेगा या तो खरीदने के लिए या तो बेचने के लिए, दूसरा वाला accept करेगा. Immediate delivery, immediate payment, installment delivery, installment payment, future delivery, future payment, everything is possible. चार section बचे हैं, 7, 8, 9, 10 पहला topic खत्म, ठीक है. Section number 7, contract void हो जाता है. Goods perishing before the contract of sale is made. Goods perishing before making of contract. Section number 7. Goods perishing before making of a contract. Section number 7. Section number 7. यहां पे perishing का मतलब सड़ना बस नहीं है. यहां पे perishing का मतलब physical damage भी है. यहां पे perishing का मतलब destroy भी है. यहां पे perishing का मतलब commercial value down भी है. हाँ कि ना?
तो बहुत सिंपल सा एक प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, ऐसा है कि श्रेयांक के पास अगर कोई घोड़ा है जिसको मैं खरीदने की बात कर रहा हूं, लेकिन श्रेयांक को नहीं पता कि उसको स्कॉर्पियो ने काट लिया है, रातों ही रात काट लिया था, सुबह हम लोग उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के पहले ही पैरिश हो चुकी है, खप गई है, ऐसी हालत हो गई है जिसकी गत नहीं बताई जा सकती। लिखा हुआ एज टू नो लॉन्गर आंसर टू दिस डिस्क्रिप्शन, क्या घोड़ा गुड्स है? अरे है ना भाई, हाँ हाँ कि ना, समझ में आ रही बात? तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोलेंगे, हम सिंपल एज दैट, हाँ कि ना। तो ये सिर्फ लगता है कि स्पेस स्पेसिफिक गुड्स में, तो बोला इफ गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, सेलर को पता था क्या कि गुड्स क्या हो गए हैं? पेरिश एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेरिश हो गए हैं, और डैमेज एज टू नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन, नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन का मतलब उसकी हालत नहीं बताई जा सकती, इतनी बुरी हालत में है वो, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। सेक्शन नंबर 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, हाँ कि ना, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। श्रेयांक को एक गाड़ी खरीदनी थी, कार खरीदनी थी, यस और नो? और मैं हनुमान ऑटोमोबाइल वाला हूं, कौन सा वाला हूं? हनुमान ऑटोमोबाइल, हनुमान जी जाते उड़ के ड्रॉप कर देते गाड़ी और वो फिर देखेगा, हाँ कि ना, ऐसा कुछ अज्यूम करे तुम लोग? मैं भी नहीं कह सुनो। हनुमान ऑटोमोबाइल की स्कीम है कि आप आओ गाड़ी पसंद करो, 3 दिन ट्रायल लो, उसके बाद बताओ आपको रखना है कि नहीं रखना है, इसको मैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस भी बोल सकता हूं। यस, तो हनुमान ऑटोमोबाइल की स्कीम है कि आइए गाड़ी लेके जाइए, यानी कि गाड़ी की पोजीशन लेके जाइए, ना कि ओनरशिप, गाड़ी की पोजीशन लेके जाइए, 3 दिन का ट्रायल कीजिए, अच्छी लगे तो रख लीजिए, नहीं तो वापस कर दीजिए, यस और नो? श्रेयांक गाड़ी लेकर गया, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल, बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, अब एग्री कर रहा होगा तो ही तो आया था, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, हमने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया लेकिन अभी सेल हुई, हाँ कि ना? लेके गया अपने घर के बाहर, गाड़ी खड़े किया, रेडी वेडी हुआ, पहले गर्लफ्रेंड को घुमाया, अगले दिन फैमिली वाले को घुमाया, बोले 3 दिन का ट्रायल है, हाँ कि ना? तीसरे दिन डांसिंग का, ठीक है, और हाँ उसके बाद अब तीसरे दिन शाम का ही टाइम था जिसमें रात तक अपने को अप्रूवल देनी थी, हाँ कि ना? ऐसा हुआ कि शाम के समय अचानक से इतना हैवी फ्लड आया, कार बह ही गई, कार बह ही गई, हाँ कि ना? क्या ओनरशिप जा चुकी थी क्या? तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, अभी ओनरशिप नहीं की थी, बट आफ्टर एग्रीमेंट टू, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, अबे इसकी वजह से गाड़ी डेड हुई होगी तो फिर इसकी ही गलती है ना, क्योंकि व्हेन ही टुक द गुड इन पोजीशन ही इज इन द कैपेसिटी ऑफ द बेली, एंड बेली हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ अ गुड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, हाँ कि ना? तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट तो बन चुका था लेकिन ओनरशिप गई नहीं थी, रिस्क गया नहीं था, उसके पहले ही गुड्स क्या हो गया? पेरिश। एक बात आपको यहां ध्यान रखना, ना तो सेलर की गलती होनी चाहिए ना तो बायर की, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड। अवॉइडेड वर्ड यहां पे क्यों यूज किया है? लाइक यू कांट डू एनीथिंग, लेट अस अवॉइड, इंटरप्रिटेशन है ऊपर के नीचे का, ऊपर वॉइड लिखा है, इधर क्या लिखा है? अवॉइड। सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 हो गया, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? वॉइड हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले वॉइड हो गया था, यहां पे एग्रीमेंट बनने के बाद बट सेल होने के पहले, सेक्शन नंबर 8 ये वाला है जो एग्रीमेंट बनने के बाद और सेल होने के पहले, सेक्शन नंबर 7 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही हो जाता है, हाँ कि ना? 7 और 8 हो गया। 9 सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि अगर आपको गुड्स बेचना है तो उसकी प्राइस क्या रहेगी, तो बोले आप प्राइस 3 तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। पहला है फिक्स कर लो कॉन्ट्रैक्ट में, कितने देगा? इतने ही दूंगा सर, आपस में डिसाइड कर लो, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लो कितनी प्राइस है, सर्टन कर लो सारी चीजें। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस फिक्स नहीं कर रहे हो, आप मैनर फिक्स कर रहे हो, तरीका फिक्स कर रहे हो। बोले कैसे करेंगे? बोले बोली लगवाते। कैसे करेंगे? बोले थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएंगे, हाँ कि ना? बोले कैसे करेंगे? बोले रुक 10 लोग के पास जाते हैं, जो बोलेंगे उसका एवरेज निकाल के प्राइस रख लेंगे। यू कैन डिसाइड एनी मैनर,
तीसरा पॉइंट बोल रहा है डिसाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग. लैपटॉप देखा, अरे यार बहुत स्क्रैच आई हुई है यार, इतना कीमत नहीं हो सकता. भले माना साल भर पुराना लेकिन इतनी कीमत नहीं है. गाड़ी ले रहे हो, अरे यार गाड़ी का ना पिकअप अच्छा नहीं है, देख टायर घिसे हुए हैं, इंजन पुराना है, डैमेज है, ये है. आप नुक्स नाक्स निकाल के आपस से बार्गेनिंग करके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग प्राइस को डिसाइड कर, हाँ कि ना. लेकिन अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन में जाते हो जहां पे आप थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करते हो, जहां पे आप थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, आपने मैनर फिक्स कर दिया थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, आपको जाना है सेक्शन नंबर 10 पे. सेक्शन 9 अगेन बोलता हूं, तीन तरीके से आप प्राइस फिक्स कर सकते हो, तीन तरीके से आप प्राइस फिक्स कर सकते हो. सबसे पहला फिक्स कर लो इन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द, नहीं फिक्स कर लो कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरा मैनर फिक्स कर लो इन द कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग पार्टी खुद डिसाइड कर सकती. लेकिन आप सेकंड वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो जिसमें थर्ड पार्टी वैल्यूएशन लिखा, आपको आना है सेक्शन नंबर 10 में. सेक्शन नंबर 10 अपने को क्या बोलता है सुन के लेना, अगर आप किसी थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन करा रहे हो और अगर वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है या कर नहीं रहा है, नहीं कर पा रहा है ना, तो दो चीज लिखी है वहां पे साफ साफ, थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट, थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट, या तो वो कर नहीं रहा है या तो कर नहीं पा रहा है, हाँ कि ना. थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट, कैन नॉट का मतलब समझ रहे हो क्या, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने आ तो रहा है, साला आप उसको गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो. एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास दो बाइक है, एक KTM है और एक पल्सर है, हाँ कि ना. वो दोनों ही श्रेयांक में से खरीदने वाला है, वैल्यूएशन रहेगा थर्ड पार्टी के थ्रू, वैल्यूएशन रहेगा थर्ड पार्टी के थ्रू, हाँ कि ना. थर्ड पार्टी उसका मैकेनिक है, वो रोज आता है गाड़ी का वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन मैं ही घर पे नहीं रहता हूं, कॉल करके आता है, मैं बहाने मारता हूं, कॉल करता है मैं फोन नहीं उठाता हूं, इसलिए वो वैल्यूएशन कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है मेरी गलती की वजह से, हाँ कि ना. इसको बोलते हैं कैन नॉट, डज नॉट का मतलब वो खुद ही नहीं कर रहा है, हाँ कि ना. इस सिचुएशन में हुआ ये, अगर ऐसा कुछ हो रहा है सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइट, क्योंकि तुम वैल्यूएशन कराने नहीं कर रहे हो, मैनर फिक्स है. लेकिन सर व्हाट इफ आपके पास दो बाइक थी जिसमें एक गाड़ी आपने श्रेयांक को दे दी, पल्सर दे दी मैंने उसको और वो यूज करने लग गया उसको, पल्सर दे दी और वो उसको, और अब थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है. श्रेयांक बोल रहा है आप मेरे को KTM में दे दो, मैं बोल रहा हूं पल्सर भी वापस कर, वैल्यूएशन हुई नहीं है. इस सिचुएशन में जो गाड़ी ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है और श्रेयांक यूज करने लग गया है, उसका मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस, और जो गाड़ी डिलीवर नहीं हुई है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. इज दैट क्लियर? खत्म हो गया पहला टॉपिक खत्म हो गया. क्या क्या पढ़े अपन ने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिसमें एग्रीमेंट भी आता है, जिसमें सेल भी आता है. सेल में ओनरशिप तुरंत जाती है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप तुरंत नहीं जाती, फ्यूचर टाइम में जाती है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन और फ्यूचर टाइम, हाँ कि ना. फिर सेलर पढ़ा, बायर पढ़ा, गुड्स पढ़ा, छह कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बनता कैसे ये पढ़ा, बेलमेंट पढ़ा, वर्क एंड लेबर पढ़ा, हायर परचेस पढ़ा, सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10 पढ़ा, गुड्स के टाइप्स पढ़े, डिलीवरी पढ़ा, हाँ कि ना. ये तो बेसिक था, ये तो क्या था, बेसिक था. सब साथ में मेरे, हाँ है तो बोलिए हाँ, गुड, आवाज अच्छी है. कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ना हां बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, ना चेहरे में कोई रिएक्शन है, हां कि ना. और वो मैराथन में बैठे हैं, इस ट्रेनिंग सेशन का कोई सेंस नहीं रह जाएगा अगर आप ऐसे बैठोगे तो. इसके लिए मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं, पर्सनल नहीं लीजिएगा, और वही पर्सनल लेगा जो ना हिल रहा है ना डुल रहा है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, हाँ कि ना. ठीक है, नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. डोंट टेक इट पर्सनल, टेक इट एज अ जोक, टेक इट एज अ फन. कैंप में मैंने बहुत सेमिनार लिए, ठीक है. और जब मैं सेमिनार लेता हूँ, शायद किसी ने देखा होगा, एनर्जी बहुत डबल रहती है, मतलब जितना तुमको भी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा डबल रहती है, ऊपर से ही आती है, डायरेक्ट नहीं, इट्स ट्रू.
अपन अपने से कुछ नहीं कर सकते। एक बार नाम लेके आता हूँ एकदम स्टेज में, फिर अरे फिर तो अंगार आते हैं फिर, ठीक है। और बीच में अगर किसी ने कुछ डिस्टर्ब किया मेरे को गलती से, बस फिर। तो एक सेमिनार में एक पेरेंट्स आया था, पेरेंट के साथ साथ एक बच्चा भी आया था भाई। मतलब मेरी ऐसा रहा, जब तक सामने वाला ऐसे वो नहीं, उसके चेहरे में चमक ना दिख जाए ना, बोले भाई मतलब ये पहले क्यों नहीं मिला मेरे को, तो तब तक मेरे को ऐसे नहीं लगता कि द सेमिनार इज वेल स्पेंट। समझ में ही बात, मतलब क्या मतलब ऐसे सेमिनार का जब मैं सामने किसी को इंस्पायर, और फिर मेरे को रात को नींद भी नहीं आती ढंग से, क्योंकि जो मेरा काम है वो मेरे को ऐसा लगता है मैंने सही ढंग से नहीं किया। वो उसकी गलती नहीं होती, मेरे को लगता मेरी गलती है, हाँ कि ना। ऐसे इन लोगों भी नोटिस किया होगा किस दिन लेक्चर में ढंग से नहीं होना, बहुत चिड़चिड़ होती है। समझ में ही क्या बात। तो चुप रहे। तो ऐसे ही एक सेमिनार में गया था, तो पेरेंट्स आए हुए थे वो लड़की को, भाई मैं मतलब पूरे दुनिया के जितने लोग आए थे उस दिन, कम से कम 40-45 लोग आए थे, और सबका ऐसा था, सब डाउट पूछ रहे थे, सब लाइक चेहरे से समझ में आता ना, आंखें बोलती है भाई, उसका कोई रिएक्शन नहीं। अभी मतलब ना हंसना ना डोलना, मतलब सुन रहा है। तो मेरे को लगा ये इसको समझ भी रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं उनके पेरेंट्स से पूछा, मतलब ये कौन सी क्लास में, मतलब कुछ मतलब इसका रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, अरे ऐसे ही बोले। तो मैं बोला कि ऐसे मतलब कैसे, मतलब मैं सोचा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाया जाए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाया जाए। तो मैं उनके पापा जी से पूछा, मतलब आप क्या करते हो, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आता तो समझ में आता है कि लाइक थिंकिंग कैसी, तो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है कुछ मेरी बातों को। तो उसके पापा बोले कि लाइक शोरूम होता है ना, उस पर वो इंजीनियर है, लाइक सुपरवाइजर होते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी आती है कोई प्रॉब्लम आई, तो ऐसे किसी की कार कंपनी में वो इंजीनियर थे कि डिफेक्ट्स निकाल के उसको बनाना ही हो। तो इसने बोला कि क्या करें इसके लिए। तो मैं बोला कि आप जैसे इंजीनियर हो, तो जैसे गाड़ी कोई खराब आती है तो आप क्या करते हो। बोले आती है तो देखते हैं तकलीफ का है यार, गाड़ी का इंजन ज़्यादा क्यों गर्म हो रहा है, गाड़ी पिकअप क्यों नहीं ले रही है, और जो भी तकलीफ होती है बनाते हैं और वापस कर देते हैं, और वारंटी पीरियड में रहते हैं तो पैसा भी नहीं लेते। मेरा ठीक है और भेज देते हैं, अच्छी बात है। मैं बोला फिर 4 दिन बाद अगर वही गाड़ी खराब हो के आ जाती है। बोले फिर और गंभीरता से चेक करते कि भाई पिछली बार जो तकलीफ बनाए थे हमको तो लगा था वही तकलीफ है, कहीं दूसरी तो नहीं, तो अगर वही तकलीफ ढंग से नहीं सुधरी होती तो उसी को सुधार देते, नहीं आती तो नहीं भी सुधार देते, भेज देते, हाँ कि ना। मतलब फिर 4 दिन बाद आ जाती है तो फिर 4 दिन बाद अगर आ जाती है ना, तो हमारे इधर एक एक्सपर्ट, फिर मैं देखता हूँ, बोले फिर मेरे से भी एक ऊपर एक्सपर्ट, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ उसको, और फिर उसका पूरा 22 पॉइंट्स चेक होते हैं, कुछ 22 पॉइंट्स और कुछ रहते हैं मेन उसको चेक किया जाता है, पूरा देखा जाता है, फिर भेज दिया जाता है। मतलब फिर आ गया वो एकदम, बोले तुम्हारा गाड़ी चाहिए ही नहीं मेरे को, दिमाग खराब कर रहे बोले तुम। फिर क्या करते, बोले फिर हमारा एक्सपर्ट देखता है, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है फिर बनाने के लिए, वो देखता है, वो पूरा बनाता है, फिर भेज देता है। मतलब फिर आ गया। तो बोले अब क्या करते, बोले अब क्या करते हैं, बोले अब सीधा कंपनी भेज देते हैं, मतलब बस इसको भी कंपनी की ही जरूरत है, समझे क्या तुम, इसको भी कंपनी की जरूरत है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, ये जिस कंपनी से आया है इसको उस कंपनी की, तो इसको मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, इसको मंदिर दरगाह में बैठाओ, मत्था टेकवाओ, बोले सद्बुद्धि दिलवाओ, हाँ कि ना। तो अभी लोगे डिलोगे तुम लोग, रिस्पॉन्स करोगे नहीं, तो जाओ मत्था टेक के इधर ही। क्या कस्तूरबा, साक्षी को अभी तक समझ ही नहीं है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, वो तब से मेरा चेहरा ही देख रही, बोले ये कौन सा जोक था अभी साक्षी, क्या क्या तो भाई जिसको जिसको कंपनी की जरूरत है एक बार ये सामने ही मत्था टेक है कर क्या जो कस्तूप, तो कस्तूप को मंदिर की जरूरत नहीं, मंदिर को कस्तूप की जरूरत है। चलिए आ जाते हैं कंडीशन है वारंटीज पे, समझे क्या।
तो फिर मैंने उनको अल्टीमेटली बताया, मतलब सर क्या होता है कई बार कुछ ऐसे होती है, मतलब मैं भी एक समय में था ऐसा, तो मैं समझ हाँ फेल हुए ना अपन, मतलब ऐसा ही नहीं था, मतलब वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, अपन वो छोड़ के बहुत कुछ किया, ठीक है हाँ चलो चलो। कंडीशन एंड वारंटीज, कंडीशन एंड वारंटी, ये सेकंड टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। कंडीशन एंड वारंटी में ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन एंड वारंटी में ऐसा है कि जब भी आप कोई गुड्स, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो तो देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, आप सामने वाले को बताते हो मेरे को इस टाइप का गुड्स चाहिए, मुझे उस टाइप का गुड्स चाहिए, क्या इसमें वारंटी है, आप उसको अपना पर्पस बताते हो, क्या बताते हो पर्पस। स्पेक्स लेने जाओगे तो लाइट वेट चाहिए, इस कलर का चाहिए, लेंस लेने जाओगे तो कौन से कलर का चाहिए, कहीं आंखों को चुभन तो नहीं देगा, हाँ कि ना। ड्रेस बनवाने जा रहे हो तो बोले शादी के लिए पहनना है, अच्छा बनाना, डिजाइनर बनाना, चमचमाना मांगता, हाँ कि ना, यस और नो। तो वेन एवर यू टेक एनी गुड्स देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, आप अपनी कुछ कंडीशन बताते हो सामने वाले को और सेलर उन कंडीशन को फुलफिल करता, जैसे कि आपकी मम्मी बोलती है भैया फ्रूट्स अच्छे हैं ना, अभी तुरंत खाना है, अच्छा नहीं लगा तो वापस करके जाऊंगी, तो बोले अरे अम्मा टेंशन मत लो, वाटरमेलन काट के खिला देता है, बोले खाओ पहले, खाओ पहले, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, और खिलाता मीठा वाला है देता कड़वा वाला है फिर, हाँ के ना, फिर मम्मी गालियां बकती रहती है उसको घर आके, हाँ के ना। इससे एक किस्सा और याद आ गया, गालियां बकने से ऐसे ही कि एक अपनी फ्रेंड थी ऑफिस में, ठीक है, उसका मोबाइल हम लोग छुपा देते थे, मोबाइल छुपा देते थे हम लोग उसका, तो गाली बकने से याद आया, तो मोबाइल छुपा देते थे तो परेशान होती थी, मतलब जहां जहां वो पिछले दो घंटे में बैठी होगी वो हर जगह देख के आती थी, और उसका बैग इतना बड़ा होता था कि उस पे इतना बड़ा बैग है, उसमें पर्स, उसके मेकअप का सामान, उसके मोबाइल, और इधर उधर कहां मोबाइल से निकाल घुसा के निकालती थी, तो उसको जब कुछ भी नहीं रखता था तो लगता था नहीं मोबाइल में कहीं तो भी कोने पे होगा, अपन छुपा के बैठे रहते थे, वो पूरा देख वाक के आ जाती थी इधर उधर, फिर आती थी खोजती रहती थी, फ्रस्ट्रेशन लेवल आता था, मराठी में गाली बकती थी ऐसे, हमने क्या अंदर हाथ डाल के पता नहीं क्या ही, तो मराठी में बकबक करती थी, अपन नए नए आए थे अपने को समझ में भी, तो हम लोग देखते रहते थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड है निखिल करके, समझे क्या, तो हम लोग देखते रहते थे, तो वो मराठी में ऐसा बकबक बकबक करके कुछ कुछ कर रही थी, तो निखिल बोलता है, उसका नाम है साइली, बोले साइली हिंदी में खोज, हिंदी में तो गाली से याद आया, इधर आते वापस से बस इतना ही था जोक गाली मेरे को पता नहीं है ना, इन लोग को पता है, ठीक है चलो। कंडीशन एंड वारंटी में आते फटाफट, ध्यान दो प्लीज, कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी अगेन कि वही रिप्रेजेंटेशन कुछ करते हो तो रिप्रेजेंटेशन या रिक्वायरमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होती है कंडीशन, एक होती है वारंटी। कंडीशन का मतलब ये होता है आप सामने वाले को पर्पस बता देते हो कि आप किस पर्पस से गुड्स खरीद रहे हो, और अगर वो पर्पस पूरा नहीं होता है, यानी कि कंडीशन इज द मेन पर्पस टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटी इज द कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंडीशन, आपकी बताई हुई कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है आप उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो, और आप प्राइस रिफंड मांग सकते हो, हाँ कि ना, समझ में आ रही के बाद पक्की बात है। तो लाइक फॉर सपोज श्रेयांक एक बहुत बड़ा गेमर है, वीडियो गेम्स खेलता है, हाँ कि ना, और उसने एक बहुत अच्छा लैपटॉप ऑर्डर किया जिसमें उसको हाई ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो उसने पर्पस बता दिया था, बोले जितना हाई एंड हो सकता है तुम्हारा कंप्यूटर उतना हाई एंड मेरे को चाहिए, उसमें गेम चलना चाहिए, सब रिक्वायरमेंट उसने बताई थी। घर गया, गेम खेल रहा था, गेम अटक रहा था, उसका एंटरटेनमेंट का पर्पस पूरा नहीं हुआ, मुंह पे मार के आ जाएगा किसको, लैपटॉप को, पैसे वापस कर देगा, बस वापस ले लेगा, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन इज द मेन पर्पस टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो मेन पर्पस पूरा नहीं हुआ जो वो बता के लिया था। वारंटी इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने मारुति सुजुकी के शोरूम से एक कार ली, उनने बोला एक साल की वारंटी रहेगी, एक साल में जो भी प्रॉब्लम आई आपके कार पे हम फ्री में रिपेयर करके देंगे, रिपेयर नहीं हुआ तो रिप्लेस करके देंगे,
तो यहां पे खुद ही बोल रहा है रिपेयर करके देंगे, यानी कि आप गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते। कौन से केस में? वारंटी के केस में, हां कि ना? तो सर पर्पस सिंपल है यार, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन, यानी कि यार ये चीज पूरी होनी चाहिए, मैं जो गुड्स खरीद रहा हूं ना, मैं इस पर्पस के लिए खरीद रहा हूं, ये पर्पस पूरा अगर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट, गुड्स रिजेक्ट और प्राइस रिफंड। वारंटी में आप पर्पस नहीं बताते हो, जस्ट आप गुड्स लेते हो, सामने वाला ही आपको वारंटी दे देता है। अगर आप आयरन ले रहे हो तो बोले 3 महीने की वारंटी, मोबाइल ले रहे हो तो साल भर की वारंटी, लैपटॉप ले रहे हो तो साल भर की वारंटी, लैपटॉप के अलावा अगर आप एसी ले रहे हो तो उसमें वारंटी कार्ड रहता है जिसमें आप कंडीशन नहीं रखते कुछ, सामने वाला जब बेचता है तो आपको वारंटी देता है। तो दैट इज अ कोलेट्रल, कोलेट्रल यानी कि सेकेंडरी होता है। अगर वो पूरी नहीं होती है ना, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती तो रिपेयर ही होगा, और रिपेयर नहीं होगा तो रिप्लेस होगा। आप डैमेज मांग सकते हो लेकिन आप गुड्स को रिजेक्ट और रिपुडिएट नहीं कर सकते। यस और नो? चलो, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब आप कंडीशन को क्या मान लोगे? वारंटी। सबसे पहली चीज, सेलर सॉरी बायर अपनी कंडीशन को खुद ही क्या कर रहा है? वेव चल नहीं रहा था उसका लैपटॉप में गेम, उसको उसने बोला मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, इसमें और कुछ करके दे दो, उसको रिपेयर कर दो, ग्राफिक कार्ड ऐड कर दो, जो भी करके देना है, गेम अच्छा से चलना चाहिए। चाहता तो वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता, लेकिन उसी ने खुद क्या कर दिया? वेव कर दिया। दूसरी बात है, जब बायर खुद ही इलेक्ट कर रहा है टू ट्रीट द कंडीशन एज अ वारंटी, मैं शुगर मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास 5 ग्रेड के शुगर है, ए बी सी डी ई, ए वाला सबसे अच्छा, बी थोड़ा अच्छा, सी थोड़ा अच्छा, डी थोड़ा अच्छा, अच्छा हाँ कि ना? श्रेयांक ने मेरे से ए ग्रेड का शुगर मंगवाया था जो 500 रुपए केजी के हिसाब से रहता है, एकदम व्हाइट दाने मोटे मोटे रहते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मैंने उसको बी ग्रेड का दे दिया। कौन सा दिया? बी ग्रेड का, बी ग्रेड का दिया, वो 400 रुपए केजी का था, तो बी ग्रेड का आया तो उसने बोला सर काम करो बी ग्रेड का ही रख लेता हूं, 100 रुपए जो ऊपर दिया है ना ए ग्रेड का वो वापस कर देने का, हाँ कि ना? खुद ही इलेक्ट कर लिया कि चूज द कंडीशन एज अ वारंटी। तीसरा, जब कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है, तीसरा जब कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल, कॉन्क्रीट का एग्जांपल दिया था मैंने कि भाई बिरला व्हाइट सीमेंट होना चाहिए, रेत अच्छी होनी चाहिए, गिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जो भी मिश्रण है सब अच्छा होना चाहिए। अब रेत भी मिक्स हो गई, गिट्टी भी मिक्स हो गई, बिरला व्हाइट सीमेंट नहीं था, कोई दूसरा सीमेंट था, उसको हटा सकता हूं क्या? वो तो मिक्स हो गया। यहां पे आपकी कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन एंड वारंटी, कुछ ऐसी कंडीशन है जो आपको लॉ प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसी वारंटी है जो आपको लॉ प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ। सबसे पहला, जब भी कोई सेलर गुड्स बेच रहा है, आप बीइंग अ बायर मान के चलोगे उसके पास बेचने का हक है। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब आप कोई गुड्स डिस्क्राइब करके बेच रहे हो, जब मैं बोल रहा हूं श्रेयांक मेरा लैपटॉप ब्रांड न्यू कंडीशन में है तो इट मस्ट बी ब्रांड न्यू कंडीशन, एक स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अबे ब्रांड न्यू का मतलब ही क्या होता है? मेरे हिसाब से जब ब्रांड न्यू बोल रहे हो तो पन्ने भी नहीं निकली होनी चाहिए, हाँ कि ना? जब अल्टीमेटली जब मैंने उसको लैपटॉप बेचने का किया तो वो डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। डिस्क्रिप्शन क्या था? ब्रांड न्यू, देखा तो भाई स्क्रैच स्क्रैच लगे लैपटॉप में, जैसा बोला था वैसा मैच। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में कंडीशन ये रहती है कि सेलर जैसा गुड्स को डिस्क्राइब कर रहा है वैसा गुड्स होना चाहिए, नहीं हुआ, आपकी कंडीशन की ब्रीच, आप कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर दो, गुड्स रिजेक्ट कर दो और प्राइस रिफंड मांग लो। दो कंडीशन में आप मान के चलोगे, दो कंडीशन में आप मान के चलोगे कि डीम्ड टू बी सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, जब आप कोई क्लास और काइंड स्पेसिफाई करते हो किसकी? अपने गुड्स की, कोल्हापुरी चप्पल, बंगाल की साड़ी, कोलकाता बैंगल्स, ये नाम पे क्या आ रहा है? क्लास आ रहा है कि वो कहां की साड़ी है, यानी कि अगर बंगाल की साड़ी है, कोलकाता की बैंगल और एक्चुअल में कोलकाता की बैंगल नहीं रही, कोल्हापुरी चप्पल बोल के चप्पल बेचा लेकिन एक्चुअल में कोल्हापुर में बनी, आपके डिस्क्रिप्शन और एक्चुअल में जो करस्पॉन्ड नहीं कर रही, हाँ कि ना? जब आप गुड्स को डिस्क्राइब करते हो बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आप गुड्स को डिस्क्राइब करते हो बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रीमियम गोल्ड एडिशन, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, आईफोन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रीमियम गोल्ड एडिशन, हर आईफोन के बाद जो भी आईफोन आता है एप्पल वाला उसका एक प्रीमियम गोल्ड एडिशन लगाता है, हाँ कि ना? इसको बोलते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट, कभी भी कोई नया मॉडल आता है उसका एक लिमिटेड एडिशन निकलता है स्पोर्ट्स एडिशन जिसमें ग्राफिक्स लगे होते हैं। तो अगर आप बोलोगे मेरे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट
कंपनी वाली स्पोर्ट्स एडिशन है, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो और माना जाएगा आप सेल बाय क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन। वापस से आते हैं सेक्शन 12 में, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन यानी कि रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस। कंडीशन का ब्रीच हुआ, गुड्स रिजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट, क्लेम कैन डैमेज। दूसरा, रेपुडिएट नहीं कर सकते, गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते, ओनली यू कैन डू इज टू क्लेम डैमेज। कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट की जाएगी, सेक्शन नंबर 13, जब बायर वेव कर रहा है, दूसरा बायर इलेक्ट कर रहा है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। फिर हमने पढ़ा इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी। इंप्लाइड कंडीशन का मतलब क्या, इंप्लाइड कंडीशन, सेल कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि जब सेलर बेच रहा है गुड्स, आपको मान के चलना उसके पास ओनरशिप है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो इंप्लाइड कंडीशन क्या, जैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हो वैसा गुड्स होना। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डीम टू बी सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जब आप काइंड और क्लास बताओगे और आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफाई करोगे तब। यस और नो, ठीक है। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल में तीन इंप्लाइड कंडीशन है। सबसे पहला, जैसा सैंपल है वैसा गुड्स होना चाहिए, सैंपल आपको दिखाया गुड्स वैसा ही होना चाहिए। दूसरी बात है, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जैसा उसको सैंपल दिखाया गया, जैसे आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो आपको चावल दिखाता है, तीन चार प्रकार के चावल दिखाता है बाउल में, आप एक प्रकार का चावल बोलते उसको 10 किलो पैक कर दो, जब पैक हो जाएगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप कंपेयर करके देखो जैसा था वैसा ही है ना। तीसरा, सेल बाय सैंपल में तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो भी आप गुड सैंपल से ले रहे हो उस पे ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो आपको दिख नहीं रहा है। लेटेंट डिफेक्ट होना नहीं चाहिए। फ्रेंच आर्मी ने शूज बनाया, इंडियन गवर्नमेंट उसको ले रही है, फ्रेंच आर्मी ने सैंपल दिखाया, समझ रहे हैं क्या बात? फ्रेंच आर्मी ने सैंपल दिखाया, सैंपल जब शूज का दिखाया, शूज एक नंबर लग रहे थे, लेदर का सोल दिख रहा था, लेकिन हमको यह नहीं पता था उस लेदर के सोल के अंदर क्या भरा है, फोम। अरे फोम मतलब वो गद्दे, हां कि ना? अब उसको फाड़ के तो देखेंगे नहीं सैंपल में, यस और नो? तो जैसे ही उसको लेके गए तो पता चला, जब फटा जूता तो उसमें से क्या निकला, फोम, यानी कि वो लेदर का। तो सेल बाय सैंपल में तीसरी कंडीशन ऐसी कि भाई अगर लेटेंट है डिफेक्ट, अगर क्या है डिफेक्ट, लेटेंट है, बाद में दिख रहा है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में दिख नहीं रहा था क्योंकि वो क्या था, लेटेंट था, और ऐसा डिफेक्ट था साला वो तो अब अनमर्चेंटेबल हो गया, तो ऐसा कुछ बाद में मिला तो भी आप गुड्स रिजेक्ट कर सकते हो, प्राइस रिफंड मांग सकते हो और डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, इसका थोड़ा सा अपन ने इनलीगल एग्जांपल लिया था, गांजे का याद आ रहा है क्या? नीमच में गांजा बहुत उगता है, नीमच पे गांजा, एमपी का एक गांव है नीमच जहां पे गांजा बहुत प्रोड्यूस होता है। मैंने बोला मुझे नीमच का गांजा चाहिए, बोले मिलेगा, ये था डिस्क्रिप्शन, बोले लो सैंपल, मारा, मोक्ष की प्राप्ति हुई, आहा। तो जब भी आपका गुड्स आएगा वो नीमच का ही होना चाहिए और उससे यही शॉट लगना चाहिए जैसे लग रहा है मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी चीज अगर पूरी नहीं होती है, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन का पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, व्हाट कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये तो 36 बार कर चुके हैं अपन। कभी भी कोई कंडीशन नहीं मिलेगी क्वालिटी और फिटनेस के लिए, लेट द बायर बी वेयर, बी अवेयर नहीं, बी वेयर, हाँ कि ना? कि भाई आप जो गुड्स ले रहे हो उसकी क्वालिटी वैसे ही रहेगी जैसे आप चाहते हो, आप जो गुड्स ले रहे हो उसकी फिटनेस वैसे ही रहेगी जैसे आप चाहते हो, ये जरूरी नहीं है, हाँ कि ना? लेकिन अगर आप तीन कंडीशन पूरी कर दोगे, तीन कंडीशन पूरी कर दोगे, यानी कि आपने सेलर को पर्पस बता दिया आप गुड्स खरीद क्यों रहे हो, आपने सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा कर लिया, और तीसरा सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स पे डील करता है, तब आपको कंडीशन मिलेगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने एक इंसान का दांत तोड़ दिया फाइट मार के और उसको दांत लगवाना है, हाँ कि ना? और वो डेंटिस्ट के पास जाके पर्पस बता रहा है कि डेंटिस्ट साहब दांत टूटा नहीं दिखना चाहिए, जो भी आर्टिफिशियल आप दांत बनाओगे लगना चाहिए वो नेचुरल दांत है, दिस इज माय पर्पस। दूसरी चीज, अबे वो डेंटिस्ट है तो तुम उसके स्किल और जजमेंट में भरोसा करोगे ही ना। तीसरा, डेंटिस्ट का काम ही है दांतों में डील करना, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब दांत बना, जब वो हंसा अपने 32 ही बाहर निकाला,
सामने वाला ले ये नकली था उसकी कंडीशन पूरी नहीं, दांत निकाल के मुंह पे मार सकता है डेंटिस्ट के, पैसा भी वापस मांगेगा और डैमेज भी मांगेगा जो बेइज्जती हुई उसके लिए, हाँ कि ना, समझे क्या? तो आपको तीन कंडीशन पूरी करोगे तो आपको कंडीशन मिलेगी, नहीं तो आपको कंडीशन मिलने वाली नहीं है, ठीक है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी आपको पता ही है, ये ऐसे गुड्स पे लगती है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से लेते हो और ऐसे इंसान से लेते हो जो उन्हीं गुड्स पे डील करता, तो आपको एक कंडीशन मान के चलने की, वो गुड्स बिकाऊ होंगे, मर्चेंटेबल होंगे, यस और नो? कंडीशन एज टू होलसम, ये किस पे, किस पे लगता है? ईटेबल्स पे, ईटेबल्स एंड प्रोविजंस। और किस पे लगता है? खाने पीने की जो चीज होती है, यानी कि दाल आटा गेहूं दूध दही मक्खन, ये हेल्दी होने चाहिए। ये कौन बोल रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स है, यानी कि वो बिकाऊ भी होने चाहिए और वो हेल्दी भी होने चाहिए। तीन दिन के बाद वो बिकाऊ नहीं होते है। ब्रेड में लिखा रहता है बेस्ट बिफोर थ्री डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, उसके बाद इसमें फंगस लग जाएगा, ऐसा लिखा नहीं होता, लग जाएगा करके लग जाती है फंगस, यानी कि अब वो होलसम भी नहीं है और अब वो बिकाऊ भी नहीं है। और अगर ऐसे कोई गुड्स आपको दिया, जैसे कि इसमें केस था, हस्बैंड को नीचे ग्रोसरी शॉप से दूध लेके आया, दूध में टाइफाइड जर्म्स है, वाइफ ने पिया, पीने के बाद टाइफाइड जर्म्स हुआ, अल्लाह को प्यारी हो गई, हाँ कि ना? दुख मना लो थोड़ा सा, किसी ने चूचा तो किया ही अभी, हाँ कैसे मर गई बेचारी दूध पी के, हाँ हाँ कि ना? अरे पिया क्या उसने? पिया, हस्बैंड खुश, बोले चलो ये भी गई और डैमेज भी मांगेंगे, हाँ कि ना? तो ये हो सकता है, आप डैमेज मांग सकते हो अगर कोई गुड्स होलसम नहीं है तो। चलो एम्प्लॉयड वारंटी में आ जाते फटाफट। चलो एक बार पहले कंडीशन, एम्प्लॉयड कंडीशन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन एस टू, सेलर जब गुड्स बेच रहा है उसके पास ओनरशिप का हक है और एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है तो हक आ जाएगा। सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय सैंपल, नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय सैंपल, देन सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, फिर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस जनरली मिलता तीन कंडीशन, पर्पस बताया स्किल एंड जजमेंट में भरोसा किया एंड उसके बाद है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसम, जैसे बीटेबल एंड प्रोविजन में लगती है। इंप्लाइड वारंटी में आते हैं, इंप्लाइड वारंटी कैन बी ऑफ फोर काइंड्स। सबसे पहला, आपको कोई गुड्स बेच रहा है, आपके पोजीशन को कोई डिस्टरबेंस होने वाला नहीं है। अरे एक इंसान था जिसने बोला कि मैं नेस्कैफे की फ्रेंचाइजी लिया हुआ हूं, मैं नेस्कैफे की फ्रेंचाइजी लिया हुआ हूं, हाँ कि ना? नेस्कैफे की फ्रेंचाइजी लिया हूं और एक इंसान को क्या बोला कि आप मेरी फ्रेंचाइजी से ये दूध ले सकते हैं जिसमें नेस्कैफे का ब्रांड है, वो इंसान था श्रेयांक और जो फ्रेंचाइजी लिया हुआ था वो था मैं। तो एक्चुअल में मैंने फ्रेंचाइजी ली नहीं थी, मैं तो अनलॉफुली नेस्कैफे का ब्रांड चपकाता था मेरे लोकल दूध में और उसको नेस्कैफे का बोल के दे देता था, और जनता जनार्दन पागल है, उसको दूध से मतलब नहीं, उसको ब्रांड से मतलब है, खरीदती भी थी। तो नॉर्मल दूध आता था 10 रुपए पैकेट, मैंने इसको 25 रुपए पैकेट बेचा, हाँ कि ना? इसने ऐसे 100 पैकेट मेरे से खरीदे 25 रुपए के हिसाब से। नेस्कैफे वाले आ गए इसके यहाँ, बोले ये कहाँ से लिए? बोले वो जो आपका फ्रेंचाइजी वाला है ना, बोले हमने किसी को फ्रेंचाइजी नहीं, दूध वापस करो। बोले श्रेयांक ने बोला दूध वापस नहीं होगा, मैं पैसे पे करके ला रहा हूं, तेरा ब्रांड है, तेरा ब्रांड निकाल सब में से, निकाल, तेरे को ब्रांड से तकलीफ है ना, तो भाई मैं पैसे पे करके आया उसका, तू ब्रांड निकाल दे और दूध को छोड़ के जा, क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया है, हाँ कि ना? कहीं ना कहीं इसके पोजिशन में डिस्टर्बेंस ही आ रही ना, एंजॉय कर पाया क्या? और हो सकता है माना नहीं तो लेके ही चले गया, हाँ कि ना? इसकी वारंटी का क्या हुआ है? ब्रीच। वारंटी का ब्रीच हुआ, वो दूध का पैकेट लेके चले गया, ग्राहक आ रहे दूध के, दूध है ही नहीं, क्या नुकसान हुआ? पैसे का, इनकम का नुकसान हुआ, मेरे से मांगेगा क्योंकि पोजीशन में क्या हुई, डिस्टर्बेंस। दूसरा, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस नॉट डिक्लेयर और नोन टू द बायर। आप ऐसे किसी गुड्स को बेच रहे हो जिसमें आपने सिक्योरिटी क्रिएट करके रखी थी और आपने बायर को बताई नहीं, तो जिसका जो सिक्योरिटी होल्डर था वो आके अगर गुड्स लेके चले जाता है, अगेन आप क्या मांगोगे? डैमेज। दूसरा, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। फिटनेस और क्वालिटी के लिए कोई वारंटी भी मिलती तो है, लेकिन कस्टम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मिलती? कस्टम के। कई दुकान में साफ लिखा रहता है नो एक्सचेंज नो रिटर्न, हाँ कि ना? यानी कि उसका कस्टम उसको परमिट नहीं करता,
कई जगह आपकी पहचान की रहती है, अरे लेके जाओ सब दिखा लो, कल दे देना वापस। यानी कि अच्छा लगा ना, ये चार टी शर्ट लेके जाओ, अपने लड़के को पहनाओ, देखो किसमें एकदम सुंदर लग रहा है वो टी शर्ट रखो, बाकी वापस कर देना, जो फिट आ रही है उसको रख लेना, जो फिट नहीं आ रही उसको वापस कर देना। तो ये रिवाज पे चलेगा, वारंटी हमेशा किसमें चलेगी, यूजेज ऑफ ट्रेड में। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, फटाके फोड़े दिवाली में सर, फटाकों के डब्बों में रहता है, याद आ रहा है कुछ, हाथ में फोड़ोगे तो क्रॉस बने रहता है फोटो में, दूसरा रहता है बिना बत्ती के फोड़ रहे हो लगा रहे हो तो बोले भले बत्ती छिलो, इसको भी क्या बोलता है क्रॉस, एक रहता है पूरी बत्ती छिली रहती है और ये करके लगाते हैं सावधान होके, इसमें बोलता है राइट। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, बेटा फटेगा तो तू किधर फटेगा नहीं पता है, हाँ कि ना, ठीक है। चलो वारंटी चार प्रकार की, वारंटी एस टू अनडिस्टर्ब पोजिशन, दूसरा वारंटी एस टू नॉन इनकम्बरेंस ऑफ, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस नॉट डिस्क्लोज टू द बायर, वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, चौथा डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। कंडीशन तो पता ही है आपको, बढ़े आगे चलो, क्या बेच है हमसे, क्या विच हैम टेल, लेट द बाय बी वेयर, कितनी बार बताऊं इसको, जब भी आप कोई गुड्स खरीद रहे हो ये आपकी ड्यूटी है कि समझ लो गुड्स कैसा है, बाद में आप सेलर को जिम्मेवार ठहरा नहीं सकते। हॉब्स वर्सेस कौन सा केस था, वर्ल्ड वर्सेस हॉब्स, अरे तीन सुअर खरीदे थे उसमें एक इंसान ने और उन तीनों सुअर को टाइफाइड था, तो जब तीन सुअर खरीदे, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे सुअर थे, इन तीन सुअर की वजह से उनको भी टाइफाइड, वो सब मर गए। वो सामने वाले सेलर को केस फाइल करना चाहता है कि तुमने बताया नहीं, वो बोल रहा है लेट द बायर बी वेयर, हाँ कि ना, तुमने मेरे से पूछा नहीं था कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मैं झूठ बोलता तो फ्रॉड कहलाता, बट भाई तू लेके जा रहा है और तू पूछ नहीं रहा है तो मैं क्यों बताऊं। मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन to purchase the goods will not amount to fraud, yani ki silence is equal to not a fraud, ha ki na, samjhe, let the buyer be aware। lekin maze ki baat ye hai ki kahan kahan ye lagta nahi hai, kahan kahan let the buyer be aware wala, yani ki caveat emptor nahi lagega, yani ki seller ye nahi bol sakta let the buyer be aware। sabse pehli baat fitness as to quality or use, jab aapne purpose bata diya hai, जब आपने सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा कर लिया है और सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता है, तो जब पर्पस बताया तो थोड़ी बोलेगा। डेंटिस्ट वाला एग्जांपल याद करो, बोला था ना दांत ओरिजिनल लगना चाहिए, तो भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है लेट द बायर बी अवेयर, तेरे को देख के लगवाना था, साले मेरे को देख के लगवाना होता मैं खुद नहीं लगा लेता, तेरे पास क्यों आता, हाँ कि ना, ठीक है। दूसरा गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम का मतलब ये होता है, आप सेलर के पास गए, ये किसने मेरे को डाउट भेजा था व्हाट्सएप में, तू ही भेजी थी क्या सेजन, कि पेटेंट और, हाँ सुन के लिए ठीक है, पेटेंट और ब्रांड नेम, आप सेलर के पास गए हो और सेलर को बोल रहे हो बजाज की सीविंग मशीन दे दे खटखट 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 वाली, वो बोल रहा है बजाज की मत लेके जाओ सर, ब्रांड का पैसा है हमारी लोकल लेके जाओ उससे अच्छा है और प्राइस भी कम है, बजाज के पास किधर जाते जाओगे, हमको तो धंधा चलाना, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, यस और नो, बोले नहीं हमको तो बजाज का ही चाहिए, तो आपने फिर सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा किधर किया जब आपको बजाज पे ही भरोसा था, तो जब सेलर की स्किल और जजमेंट में भरोसा नहीं किया तो कंडीशन मिलती नहीं है, सेकंड वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो यहां पे कैविट एंटर नहीं लगेगा, हाँ कि ना, बढ़ू आगे चलो। गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, भाई जब आपने डिस्क्राइब किया तो गुड्स वैसा करस्पॉन्ड होना चाहिए। गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल सैंपल, जितनी कंडीशन पड़ी है, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ये सारी कंडीशन में लेट द बायर बी अवेयर लगने वाला नहीं है, पक्की बात है क्या, बढ़ू आगे चलो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसको तो मतलब भाई मतलब ऐसे ही पढ़ा दूं मैं मजाक मजाक में, इसमें मतलब है ही क्या, खैर सारी चीजें मजाक नहीं चल रही है, मजाक मतलब ऐसे ही, तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बुक के बिना भी आ जाते तो चल जाता काम, ऐसा लग रहा है तो ही रिवीजन का पर्पस फुलफिल हो रहा है, क्योंकि जिसको याद नहीं आ रहा और जिसको नोट्स देखने की जरूरत लग रही है, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको घर जाके एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और जिसने रेगुलर क्लास में पढ़ाई की है वो आज पूरा लाहा उठा रहे हैं इस समागम का, ठीक है चलो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स,
चार टॉपिक है पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। पहला बेसिक है, दूसरा है कंडीशन एंड वारंटी। यहां से तो ब्रह्मास्त्र शुरू होता है, यहीं से तो बात आती गुड्स में ओनरशिप जाएगी। इस पूरे चैप्टर में तीन चीज में हम घूमेंगे इस टॉपिक में, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, गुड्स की डिलीवरी एंड पासिंग ऑफ रिस्क। हाँ कि ना, इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं समझ के लेना। हम यहां पे यो टाइम देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइम कि किस समय ओनरशिप चले गई है। हेलो सर, वो टाइम क्यों देखना है, वो बात की बात है। टाइम क्यों देखना है, बात की बात है। मजे की बात ये है कि सर अगर मैं ये लैपटॉप बेच रहा हूं जिसमें हमने बस एग्री किया है कि एक हफ्ते बाद वो खरीद लेगा और मैं एक हफ्ते बाद उससे पैसे ले लूंगा, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप गई है क्या, नहीं, और ये लैपटॉप खराब हो जाता है, नुकसान किसका, क्योंकि ओनरशिप मेरी है, यस और नो। गाड़ी के लिए डील किए हैं, श्रेयांक एक हफ्ते बाद मेरी पुरानी गाड़ी ले जाना चाहता है, अभी लेके गया, ओनरशिप पास अभी नहीं हुई है, हाँ कि ना। फ्लड आया, गाड़ी बह गई, अभी पुणे में बहुत जगह फ्लड आया था, एक एक दो दो फ्लोर भर गए थे पानी में, पूरी गाड़ी डेड हो गई, इंजन में पानी घुस गया था, नुकसान किसका, मेरा। तो सर टाइम जानना इसलिए जरूरी है कि ओनरशिप कब जाती है, क्योंकि द मोमेंट ओनरशिप गई नुकसान किसका, और ओनरशिप जाने के पहले नुकसान किसका है, सेलर का। तो अगर एमआई का कोई फोन है जो फटता ज्यादा है, विथ नो ऑफेंस टू एनीवन, हाँ कि ना, अरे एक आध केस हुए थे ना कि फोन फटा था, हाँ कि ना। तो जैसे कि फॉर सपोज एक एग्जांपल, कोई भी मोबाइल हो, मैं उसको बोल रहा हूं श्रेयांक के मोबाइल में तुझे दे दूंगा, श्रेयांक बोले कब दोगे सर, आज ही दे दो, मैं पैसे लेके आता हूं करके, मैं ठीक है, हाँ कि ना, पैसे अभी दिए नहीं है, मैंने उसको मोबाइल दे दिया, उसने प्रॉमिस किया मैं पैसे दे दूंगा, डिलीवरी भी दे दी और मैंने तो ओनरशिप भी दे दी, रास्ते में फट गया मोबाइल, नुकसान किसका, बायर का। बोले सर पैसे तो पे नहीं किया था, उससे लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हाउ मेड सेक्शन 5, आप डिलीवरी पहले दे दो पैसे बाद में आएंगे कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि ओनरशिप रुक जाएगी अगर आप पैसे नहीं दोगे तो, हाँ कि ना। तुम समझ पा रहे हो क्या भावनाओं को, पक्की बात है। तो टाइम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मोमेंट से ओनरशिप चले गई है नुकसान उसका ही है, हाँ कि ना। मान लो घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, श्रेयांक ने बोला सर ये गाड़ी मेरे को दे दो, आपने तो दो चार गाड़ी और खरीद ली, मेरा ले जा, बोले सर कितने, मतलब तू भाई यार अपना जैसा तेरे को लगे उतना पैसे दे देना, बोले सर 2-2.5 लाख रुपए, मतलब चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो चाबी भी दे दी, बोले मेरे को चलाने नहीं आती सर, रुको बड़े भाई को लेके आता हूँ, लेके चले जाता हूँ, पैसे देते रहूंगा आपको इंस्टॉलमेंट में, मतलब कोई राजा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो घर की बात है। फ्लड आया, गाड़ी बह गई, नुकसान किसका, बायर का। मान लो गाड़ी खड़ी थी, फ्लड नहीं आया, पीछे से मतलब बाहर से एक लड़का, गुलेल होता है, गुलेल क्या बोलते हैं उसको अबे इंग्लिश में, चलो जान दो सर्च करना आज गूगल में, हाँ, तो उससे क्या कर रहा था, वो पक्षियां मार रहा था, वो पक्षी तो हट गई, वो फट से तुम्हारी कार में लगा, फूट गया शीशा, जो गाड़ी तू खरीदने वाला था, नुकसान किसका है, श्रेयांक का, यानी कि बायर। एक्शन कौन ले सकता है उस इंसान के ऊपर, बायर ही लेगा, हाँ कि ना। मजे की बात यह है कि सर मान लो सेलर ने गुड्स बेच दिया है, ओनरशिप पास हो गई है, ओनरशिप पास होगी तो ही सेलर प्राइस के लिए स्यू कर सकता है। अगर मान लो आपने ट्रायल के लिए दिया, जैसे हनुमान ऑटोमोबाइल ने 3 दिन के ट्रायल पे दिया था गुड्स को, यस और नो, क्या ओनरशिप पास हो गई थी, हनुमान ऑटोमोबाइल वाला बोल रहा पैसे दे पैसे दे, श्रेयांक बोलेगा किस बात के पैसे पे, खरीदा थोड़ी हूं। मजे की बात है, सेलर प्राइस के लिए डिमांड तभी कर सकता है जब ओनरशिप जा चुकी, यस और नो। तो इंपॉर्टेंस पूरा रहेगा ओनरशिप का, कौन ओनर है, क्योंकि जो ओनर है वो ही लाइबिलिटी बियर करेगा, रिस्क बियर करेगा, वो ही थर्ड पार्टी को स्यू करेगा अगर कार में कुछ डैमेज हो जाता है तो, हाँ कि ना। एंड जो सेलर है वो प्राइस तब तक नहीं मांग सकता जब तक ओनरशिप नहीं जाती, ये सुनो, समझ में आ रही है तुमको बात। अब आपको अगर टाइम जानना है, आपको क्या जानना है, टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको जाना है सेक्शन नंबर 19 में, सबसे पहले आपको जाना है सेक्शन नंबर 19 में। सबका ध्यान इधर, फोकस करो,
सेक्शन 19 पे अगर आपको टाइम जानना है कि सर ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है, तो आपको पार्टीज का इंटेंशन जानना पड़ेगा, उनका इरादा जानना पड़ेगा कि बायर कब खरीदना चाहता था और सेलर कब बेचना चाहता था। सेक्शन 19 में बोला इंटेंशन जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नीचे एक गाड़ी खड़ी है मेरी, श्रेयांग बोला सर मैं उसको खरीदना चाहता हूं, मतलब कब खरीदने का, अभी खरीदेगा, अभी ले ले। बोले नहीं सर अभी नहीं, एक हफ्ते बाद एक जगह से पैसा आने वाला है फिर खरीदूंगा। टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखें तो क्या पता चल रहा है कि ओनरशिप एक हफ्ते बाद ट्रांसफर करना चाह रहे थे ये लोग, हाँ कि ना? यानी कि अभी अगर गाड़ी में कुछ नुकसान होगा तो वो नुकसान मेरा है ना कि श्रेयांग का, हाँ कि ना? पक्की बात है, इंटेंशन क्लियर है अपना कि ओनरशिप कब जाने वाली है, साफ बात है अगले हफ्ते पैसे लाएगा गाड़ी चले जाएगी। अगर आप इंटेंशन को असर्टेन नहीं कर पा रहे हो टर्म्स ऑफ द टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से, तब आपको जाना है सेक्शन 20 से सेक्शन 24 पे। सर ऐसा कब होता है जब अपन इंटेंशन असर्टेन नहीं कर पाते हैं? ये तब होता है, बोले सर मेरे को गाड़ी खरीदना, मतलब कब खरीद, सर बस खरीदूंगा यार, आप किसी को बेचना मत, मैं खरीदूंगा, मैं कब बताता हूं ना, इंटेंशन अपने को क्लियर नहीं है। आ जाओ सेक्शन नंबर 20 से सेक्शन 24 में, तीन कंडीशन पढ़ेंगे, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तब ओनरशिप कब जाएगी, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लेकिन प्राइस असर्टेन नहीं तब ओनरशिप कब जाएगी, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, सॉरी स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशन में अपने को तब जाना जाए जब सेक्शन 19 में अपने को इंटेंशन क्लियर नहीं है। मैं सेकंड हैंड गाड़ियों का डीलर हूं, मेरे पास मारुति सुजुकी भी है, मेरे पास होंडा सिटी भी है, मेरे पास बलेनो भी है, मेरे पास ऑडी भी है, मेरे पास जैगुआर भी है। श्रेयांक आया, बोले सर मारुति सुजुकी स्विफ्ट मैं लेना चाहता हूं, स्पेसिफिक गुड्स है क्या? डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ले जाने की हालत में होना चाहिए। केक वाला अगर आपको सिर्फ केक दे दे कार्डबोर्ड के नीचे, आप लेके जाते हो क्या? नहीं, आप बोलते बेटा डिलीवरेबल स्टेट में कार्ड वो पूरा बॉक्स पे कर उसको कैरी बैग में दे, ये होता है डिलीवरेबल स्टेट। वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट के चारों टायर एक नंबर, यानी कि गैस भी भरी हुई उसमें, फ्यूल भी है, डिलीवरेबल स्टेट में है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, चारों टायर ओके है, ले जाने की हालत में है। बोले सर ओनरशिप कब पास? बोले सर मैं ये वाली लेना चाहता हूं। मतलब आप कितने में लेना चाहते हो? बोले सर ज्यादा ज्यादा 3 लाख। मतलब नहीं सर, 3.5 लाख से नीचे बेचूंगा नहीं। बोले डन। जहां इसने डन बोला उसी मोमेंट में उस मारुति सुजुकी स्विफ्ट में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, हाँ कि ना? अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होती, उसका एक टायर पंचर होता, तो टायर का पंचर बनाते यानी कि डिलीवरेबल स्टेट में लाते और श्रेयांक को नोटिस दे देते और ओनरशिप हो जाती पास। नोटिस दे देते सर गाड़ी रेडी है, बोले हाँ सर मैं लेके चले जाता हूँ, जहां उसने बोला लेके चले जाता हूँ, नोटिस दे दिया, ओनरशिप पास। सर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है लेकिन प्राइस असर्टेन हुआ नहीं है, प्राइस असर्टेन करने के लिए हमने उसको गुड्स को मेजर करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ करना है, कुल मिला के कुछ ऐसी हरकत करना जिससे अपने को प्राइस समझ में आ जाए। घर में शादी का टाइम था, पूरा खानदान एक साथ एक मॉल में कपड़े लेने के लिए गया, जब आप कपड़े लेते हो ना, पसंद करते हो, डब्बे में पैक हो जाते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, डिलीवरेबल होते हैं, बस काउंटर में आता है, वो बार कोड स्कैन करते जाता है और बार कोड के वजह से वो बिल में एड होते जाता है, फिर फाइनली एक बिल आता है, खच 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 खच, आपके पापा को हार्ट अटैक आता है, हाँ कि ना? ठीक है, तो फाइनली जब पूरे नग काउंट किए, नग काउंट करने के बाद क्या आया? बिल। और अब इस बिल से पता चल रहा है कि भाई इतना प्राइस है, तो जैसे ही आप बिल का प्राइस बताओगे उस मोमेंट में उन सारे गुड्स में ओनरशिप पास होती है, इवन दो दे आर स्पेसिफिक गुड्स और डिलीवरेबल स्टेट में। तो तब तक ओनरशिप पास नहीं होगी जब तक वो एक्शन नहीं कर लेता, बार कोड से सारे एक एक को गिन नहीं लेता। तो मान के चलो यहाँ पे बार कोड का सब क्या लगा हुआ है, स्कैन का चल रहा है, यहाँ से एक एक गुड जाते जा रहे और वहां जाते जा रहे, स्कैन कर रहा है जाते जा रहे, वहां से एक चोर लेता जा रहे, हाँ कि ना? नुकसान किसका है? उस मॉल वाले का, क्योंकि अभी तक तो बिल बना ही, हाँ कि ना? तो तीन कंडीशन थी, स्पेसिफिक गुड डिलीवरेबल स्टेट में है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ओनरशिप पास, स्पेसिफिक गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो डिलीवरेबल स्टेट में लाओ और बता दो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लेकिन प्राइस असर्टेन नहीं, उसके लिए आपको टेस्ट मेजर और सम अदर एक्शन करना है प्राइस असर्टेन करने के लिए, वो हो जाएगा तो ओनरशिप क्या हो जाएगी? पास, हाँ कि ना? सबको समझ में आ गया है? अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब पास होगी? अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब पास होगी? दो चीज चाहिए,
अनअसर्टेन गुड्स के लिए ओनरशिप पास होने के लिए एक होता है एप्रोप्रिएशन असर्टेनमेंट। एप्रोप्रिएशन और असर्टेनमेंट, सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का सिंपल मतलब होता है गुड्स को बायर तक पहुंचाने के लिए रेडी कर देना, यानी कि अगर बायर ने गुड्स मंगवाए हैं, मैंने उसको अलग किया, पैक करवाया, पैक करवाने के साथ साथ किसी ट्रांसपोर्टर वाले को बुलाया, या तो उसको बायर को खुद ही बोल दिया आपका गुड्स रेडी है, या तो किसी बेलर को दे दिया, मतलब बेली को दे दिया, जा बेटा इसको बायर के पास ट्रांसमिट करके आ जा, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। इसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो सिंपल सा मतलब होता है एप्रोप्रिएशन का सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हां कि ना? गुड सेलेक्ट किया, रेडी कर दिया और दे दिया, हाँ कि ना? इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। असर्टेनमेंट तो आपको सबको पता है, बल्क में से साइड कर लेना यस और नो, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं सबसे मेन बात है जो अनअसर्टेन गुड्स में समझने वाली है, जो एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। आप एप्रोप्रिएशन समझे, एप्रोप्रिएशन कैन बी ऑफ टू काइंड्स, एक होता है कंडीशनल एप्रोप्रिएशन, एक होता है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। कंडीशनल एप्रोप्रिएशन का मतलब, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, आपने गुड्स रेडी किए, रेडी करने के बाद किसी ट्रांसपोर्टर को बुलाए, सामान लोड किया और भेज दिया, हाँ कि ना? साथ में एक कंडीशंस भिजवाई, किसको? बायर को। बोले बायर को बोल देना गुड्स की डिलीवरी तो दे दिया हूं, 7 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, अगर पैसा नहीं आता है मान के चलना उसके पास 7 दिन तक ओनरशिप नहीं है, उसके पास पोजीशन है, इवन दो वो गुड्स की पोजीशन रख लिया है फिर भी वो ओनर नहीं कहलाएगा। ओनर वो तब कहलाएगा जब 7 दिन के अंदर पैसे पे कर देगा तब। तो इसको बोलते हैं, हमने अप्रोप्रिएट तो किया लेकिन कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब ये होता है कि आप अपने सेल का राइट, ओनरशिप का राइट रिजर्व करके रखते हो अपने पास, आप छोड़ते नहीं हो। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है आपने गुड्स दे दिए बेली, उसको कैरियर को, बायर को, और कोई नहीं, पैसे की कोई बात, उसने शपथ ली पैसे दे दूंगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जा, यानी कि ओनरशिप पास। आपने अपने ओनरशिप का राइट रिजर्व नहीं किया है, यस और नो? इसको बोलते हैं अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। अब आपको मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं कि अनअसर्टेन गुड्स में अगर ओनरशिप पास करनी तो आपको क्या क्या करना पड़ना है। सबसे पहली बात, सेलर के पास वो गुड्स ऑलरेडी होने चाहिए। अरे जब तक होंगे नहीं तो वो असर्टेन कहां से करेगा, एप्रोप्रिएट कहां से करेगा? तो सबसे पहली बात, सेलर जो गुड्स बेचना चाह रहा है जो अनअसर्टेन है, उसके पास भले अनअसर्टेन लेकिन होने चाहिए, तो इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस्ड। दूसरा, वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, यानी कि उसने रेडी करके रखना है। तीसरा, वो अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट होने चाहिए। चौथा, उसने जब एप्रोप्रिएट किया तो बायर की असेंट ले ली थी। असेंट का मतलब ये होता है कि मैंने गुड्स रेडी कर ली, यहां रखे हुए, भेजवा दूं कि तू खुद आके लेके जाएगा। बायर ने बोला मैं खुद आके ले जाऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। जहां बायर ने ऐसा बोला मैं खुद आके ले जाऊंगा एज सुन एज पॉसिबल, उस पर ओनरशिप पास। तो अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ कि ना? बायर है शुगर परचेजर, सेलर है शुगर सेलर। मेरे पास इतने शुगर हैं, उसने तो 20 बैग मांगे, तो मेरे को तो 20 बैग आराम से दे दूंगा। ऑलरेडी ऑब्टेंड है, यस। 20 बैग अपन ने को करना था, 20 बैग अपन ने भरा, डिलीवरेबल स्टेट में ले आया। डिलीवरेबल स्टेट में लाने के बाद तीसरा पॉइंट था अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना तो रेडी किया, रेडी करने के बाद या तो बायर को ही बोल दिया तू आके ले जा, या तो किसी कैरियर को दे दिया और बोले जा लेके जा। अनकंडीशनल मतलब सेल का राइट रिजर्व नहीं किया, तो या तो भेजवा दिया गुड्स, या तो फोन करके बोल दिया आके लेके जा। भेजवा दिया है तो भी कोई कंडीशन नहीं रखी, जब फोन किया आके ले जा तो भी कोई कंडीशन नहीं रखी। भेजवा दिया तो यूं भी वो उसके पास पहुंच जाएगा जैसे उसने रिसीव किया, ओनरशिप पास। नहीं भेजवाया है वो खुद आके लेके जाएगा, उसने बस इतना बोल दिया कि मैं आके लेके जा रहा हूं, ओनरशिप पास। तो मान लो बोला कि ओनरशिप पास हो गई कि मैं आके लेकर जा रहा हूं, और वो 20 बैग वहीं रखे, उसमें चींटियां चढ़ गई, एक बैग तो चींटियां ही खा दी पूरा, किसका नुकसान? इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अनअसर्टेन गुड्स, यस और नो? चलो, ये होने के बाद इसके बाद अपने पास है बेहतरीन चीजें, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। और अगर आप कोई ऐसे गुड्स बेचते हो कि भाई हनुमान ऑटोमोबाइल, भाई गाड़ी लेके जाओ 3 दिन का ट्रायल करो, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, तो सर उस पे ओनरशिप कैसे जाएगी?
या तो श्रेयांक अप्रूवल कर देगा तीन दिन में, अच्छी लग रही है, तीन दिन का टाइम था। दूसरा, या तो श्रेयांक क्या करेगा, तीन दिन के बाद भी गुड्स को अपने पास रिटेन करके रखता है तो भी ओनरशिप पास। तीसरा, श्रेयांक को गाड़ी को बेच ही देता है किसी को, इसको बोलते हैं अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन अडॉप्ट कर रहे हो जिससे ये पता चल रहा है आप उसको लेना चाहते थे, तो ऐसे तीन तरीके से ओनरशिप जा सकती है। चलो, रिस्क पासेज विद द प्रॉपर्टी अपने को पता ही है, इसके तीन एक्सेप्शन है। इसके क्या है, तीन एक्सेप्शन। सबसे पहला क्या है, डिलेड डिलीवरी। सबसे पहला क्या है, डिलेड डिलेड डिलीवरी का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई गुड्स रेडी है, अगर कोई गुड्स रेडी है, जैसे कि ये शुगर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उसने बोला था एज सून एज पॉसिबल आके ले जाऊंगा, एज सून एज पॉसिबल आके लेके जाऊंगा, तो मैं बेली की कैपेसिटी में था, हाँ कि ना, मतलब वो लेके जाएगा तो मेरे को सेफ कस्टडी में रखना है। अब भाई एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, तू आके लेके ही नहीं जा रहा है, यहां पे गलती मेरी, जो भी डैमेज हुआ है बेटा, डैमेज का भी तू पैसा देगा और गुड्स का भी जो भी है तू ही लेके जाएगा, तो ये किसमें आता है, एक्सेप्शन में। दूसरा, आप स्पेशल एग्रीमेंट करके, कैसे करके, स्पेशल एग्रीमेंट करके आप गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। स्पेशल एग्रीमेंट करके मतलब क्या होता है, सेलर ने पहले ही बोल दिया कि मैं पुणे से मुंबई गुड्स भिजवा तो रहा हूं, लेकिन भैया मेरे को ये रास्तों का भरोसा नहीं है और तुम्हारे ड्राइवर लोग दारू वारू पी के चलाते हैं, तो जैसे ही मैं गुड्स लोड करवाऊंगा ना, रिस्क तेरा हो जाएगा, यानी कि सामने रास्ते में कुछ भी नुकसान हुआ तो रिस्क कौन बियर करेगा, बायर। तो बायर बोला ओनरशिप कब जाएगी बेटा, बोले ओनरशिप जब तू आ जाएगा तेरे पास गुड्स, जब तू पे कर देगा ना, तब तेरे पास क्या जाएगी, ओनरशिप। यानी कि मैं ओनरशिप अपने पास रखा हूं, रिस्क पहले ही भेज दिया हूं, हाँ कि ना। और तीसरा वाला होता है ट्रेड यूजेज। ट्रेड यूजेज समझते हो, रिवाज, हाँ कि ना। तो बोले ये एक्सेप्शन है, रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, वो होता है ना नो एक्सचेंज नो रिटर्न वाला हिसाब, एक बार जो गुड्स गया वो तुम्हारा ही है, बरोबर है क्या। चलो, नेमो दैट क्वाड नॉन हमें तो अपने को पता है, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट के पास क्या है, या तो गुड्स की ओनरशिप है, नहीं गुड्स का पोजीशन है, या तो क्या है, डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ ओनर। दूसरा पॉइंट, मर्केंटाइल एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उन्हीं गुड्स पे डील करता है। तीसरा पॉइंट, मर्केंटाइल एजेंट से जो बायर गुड्स खरीद रहा है गुड फेथ में खरीद रहा है फॉर वैल्यू, और उस थर्ड पर्सन को पता नहीं कि मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी है बेचने, उसको यही नहीं पता कि ये एजेंट है, ये सेलर नहीं है। चलो, वो आगे के पॉइंट बहुत इजी इजी अपन उसको करेंगे नहीं, ये सेल बाय जॉइंट ओनर, वो बहुत एक एक एग्जांपल पे अपन सीधा आ जाते हैं किस पे, इवन रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी भी अपने को पढ़ना नहीं, उसमें बहुत जनरल चीज, अपन सीधा आएंगे किस पे, अनपेड सेलर पे। किस में आने वाले, अनपेड सेलर, क्योंकि जो मेन क्रक्स था वो ट्रांसफर का, वो पूरा क्रक्स आ गया। रूल्स ऑफ डिलीवरी में ऐसा है कि भाई जब तक बायर बोलेगा नहीं तब तक सेलर डिलीवरी करेगा नहीं, बायर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और बायर अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो सेलर भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बहुत जनरल जनरल पॉइंट है, ग्रीड लगाने का है, समझ में आ जाएगा। अनपेड सेलर, किस पे आ गए अपन, अनपेड सेलर। सब मेरे साथ है, श्रेयांक कितना समय हो गया, एक ही लाइन पे चल रही है, मतलब 1 hour 22 minutes, ओके, अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया आज का, ठीक है। चलो, नो ब्रेक, नथिंग, हाँ, अनपेड सेलर के बाद एक ब्रेक रहेगा और फिर पार्टनरशिप, हाँ के ना, जिसको जाना जा सकता है ब्रेक लेने के लिए, हाँ के ना। हाँ, सीधी सी बात है ना, मैं अपने लिए थोड़ी कर रही है सब, तुम बैठ के आराम से सुन रहे हो, यहाँ देखो मैं खड़ा हूँ, मेरे को कुछ भी थकान हो रही है, मेरे को कुछ भी थकान हो रही है क्या, बात बैठने जाने वाली नहीं है, बात ये होती है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे मार्क्स में, और यू आर डिसइंटरेस्टेड इन योर मार्क्स एक्चुअली। ये सो रहा है देख, यहाँ के लोग सो रहे, यहाँ के लोग कोई ब्रेक मांगे क्या, नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ के लोग ब्रेक मांगे क्या, नहीं, यश मांगा उसमें, जान दो उसको यश को, हाँ ठीक है। चलो, अनपेड सेलर, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस, अनपेड सेलर, हाँ कि ना, आधा घंटा भी नहीं लगेगा अगर मेरे साथ कॉपरेट करोगे तो। और अनपेड सेलर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, अनपेड सेलर की डेफिनेशन और अनपेड सेलर के राइट्स है, और राइट्स को मैं चार्ट में ही खत्म करने वाला हूँ, नीचे जाने ही नहीं वाला हूं मैं आगे डिटेल में, क्योंकि चार्ट में ही सब कुछ खत्म है, समझ में आ रही क्या बात।
तो उसमें खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट भी नहीं लगेगा। और अगर तुम 15-20 मिनट भी अपने मार्क्स के लिए सहन नहीं कर पा रहे हो, मैं शुरू करता हूं। चलिए, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को डिफाइन किया सेक्शन नंबर 45। अनपेड सेलर इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 45। अब आप अनपेड सेलर से क्या समझते हैं कि अनपेड सेलर एक ऐसा बंदा होता है जिसने गुड्स बेचे हैं लेकिन उसके लिए पैसे मिले, यही समझते हैं। लेकिन लॉ बोलता है अनपेड सेलर को आप मानोगे डीम टू बी अनपेड सेलर कब, जब उसने कुछ बेचे और उसको पूरा होल ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड और टेंडर। 10,000 का गुड्स बेचा, 9,999 बिके हैं, 9,999 मिले हैं बट एक रुपए मिला नहीं है। और बोला कि अनपेड सेलर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दिया था, प्रॉमिसरी नोट लिया था, या तो सामने से चेक मिला था, वो चेक डिसऑनर हो गया है तो क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर? हाँ कि ना? इवन सब्सटेंशियल अमाउंट डी होगा तो भी उसको अनपेड सेलर मानेंगे, यस और नो? बस इस चार्ट में अनपेड सेलर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खपन, पूरा खपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट्स हमने दो हिस्सों पे डिवाइड किए, अनपेड सेलर के राइट्स हमने दो हिस्सों पे डिवाइड किए हैं, एक अगेंस्ट द गुड्स और एक अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स मैं अपने को दो हिस्से में वापस बांटना है। मैं अगेन बोल रहा हूं, अनपेड सेलर के राइट कुछ तो गुड्स के लिए होंगे और कुछ अगेंस्ट बायर होंगे। तो जब मैं अगेंस्ट गुड्स बोल रहा हूं तो अगेंस्ट गुड्स में दो हिस्सों में बांटना है। पहले देखा जाएगा क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है उन गुड्स पे। तो अगर उन गुड्स पे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है जिसकी ये बात कर रहा हूं, व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज पास्ट, तो तीन राइट है। वो गुड्स में लीन एक्सरसाइज कर सकता है, वो गुड्स पे स्टॉपेज कर सकता है, वो गुड्स पे रीसेल यानी कि उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। यानी कि ओनरशिप पास हो चुकी है, पैसा नहीं मिल रहा है बोल के हम अपने गुड्स को अपने पास रखेंगे। यानी श्रेयांक को मैंने गाड़ी बेच दी है, हाँ कि ना? मैंने बोल दिया ओनरशिप इसमें तेरी ही, लेकिन बेटा पोजिशन मेरा ही रहेगा जब तक तू पैसा। इसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन, अपनी कस्टडी में रखना। राइट ऑफ लीन आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब गुड्स आपके पास होंगे। गुड्स मस्ट बी इन पोजीशन। अगर गुड्स की पोजीशन चले गई है तो किस बात का लीन, हाँ कि ना? अगर आप नोट करोगे, चाहे लीन करो चाहे स्टॉपेज इन ट्रांजिट करो, और तीसरा रीसेल, या आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो आप अनपेड सेलर हो। तो राइट ऑफ लीन भी आप काहे के लिए कर सकते हो, प्राइस के लिए, कि भाई प्राइस दे और गुड्स लेके जा, तो पोजीशन होना चाहिए, हाँ कि ना? दूसरी बात है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी कि आपने पोजीशन छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। अब आपको लगता होगा सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट इतना समय थोड़ी लगता है गुड्स जाने में, कि अपन वो रास्ते में इंसॉल्वेंट भी हो गया और अपन गुड्स रोक भी लिए। बेटा ये क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आंडू पांडू कॉन्ट्रैक्ट पे लगता नहीं है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है जहां पे शिप के थ्रू बेसिकली करोड़ों के गुड्स, लाखों के गुड्स जाते हैं और यहां से जाते हैं और रशिया पहुंचते हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, 10-10, 15-15 दिन लगता है। और मीन वाइल जब पता चल जाता है कि भाई सामने वाला जो बंदा वो इनसॉल्वेंट हो गया है, अभी अपने को पता है 5 दिन और है, तुरंत शिप के मास्टर को मैसेज पहुंचाया जाएगा रेडियो के थ्रू कि भाई गुड्स उसको देने का नहीं है, वापस ले आना। और वापस लाने के चार्जेस कौन पे करेगा, सेलर। समझ में आई क्या बात? इसको बोलते राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और ये आप तभी कर सकते हो, मैं एक दूंगा, पोजीशन तो लॉस हो गई ना, पोजीशन दे दिए ना अपन ने, ये आप तभी कर सकते हो जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाएगा अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो प्राइस मिलने वाली, समझे क्या? हाँ के ना? ठीक। तो सर अपने को यह भी तो समझना है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट यानी कि सर ट्रांजिट अगर खत्म हो गया तो राइट भी खत्म हो जाएगा। तो अपने को यह भी समझना है ट्रांजिट कहां से कहां चलता है। द मोमेंट आपने गुड्स की डिलीवरी दी है और जब तक गुड्स
या तो बायर या तो कोई उसका एजेंट रिसीव नहीं कर लेता. मीन वाइल आप मानोगे कि वो ट्रांजिट में और आप कभी भी स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकते हो. स्टॉपेज कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा सर? आप नोटिस दोगे या तो उस शिप के मास्टर को जो एक्चुअल पोजीशन में जो चक्री घुमाता रहता है, हाँ के ना, या तो आप उसके प्रिंसिपल को नोटिस दोगे जो शिप का ओनर है, कि उसको बोल दे अपने नौकर को अपने मास्टर को कि गुड्स को देना, या दूसरा तरीका है, या तो नोटिस दोगे और या तो रोडवेज के थ्रू अगर कोई ट्रक में जा रहा है तो आप विंड डीजल बनोगे, ड्रिफ्ट मारते हुए गाड़ी बीच में लाओगे ट्रक के और गाड़ी रुकवा के वापस लेके आ जाओगे, क्योंकि वो भी किस पे है? ट्रांजिट पे. हाँ के ना, यस और नो? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप स्टॉपेज कर सकते हो. मान लो हमने क्या बोला कि आप तब तक ट्रांजिट पे रख सकते हो उसको जब तक बायर या बायर का कोई एजेंट उसको रिसीव नहीं कर लेता. मान लो वो जो शिप है वो बायर की ही है, या बायर ने उसको बुक इसलिए की कि जा मेरा सामान लेके आ, तो बायर ने जब उसको बुक किया है एक्सक्लूसिवली अपने लिए, यानी कि वो बायर का क्या हो गया? एजेंट. तो जैसे ही आपने गुड्स लोड किया, ट्रांजिट खत्म, क्योंकि उसके एजेंट ने लॉफुली पोजीशन ले ली है, ट्रांजिट खत्म हो जाएगा. तो सर ट्रांजिट कब कब खत्म हो जाता है? जब बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ले लेता है, जब आपका जो बेलर है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो जाके बता देता है सर आपके लिए मैंने गुड्स लेके आया, एक्नॉलेज कर दिया. तो मान लो वो जाके एक्नॉलेज किया, टिंग टोंग सर आपका सामान आया है, उसने बोला पीछे वाले दरवाजे से, उसने फर्दर डेस्टिनेशन बताया कि ये नहीं वहां पे आओ, फिर भी ट्रांजिट खत्म हो चुका है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो मिल गया, यानी कि आप स्टॉपेज नहीं कर सकते. और स्टॉपेज मैं फिर बोल रहा हूं आप तभी कर सकते हो जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए. ठीक है, दूसरी बात, राइट ऑफ लीन इज द रिटेन पोजिशन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज रीगेन पोजिशन. पोजीशन वापस ले लो. तो यहां स्टॉपेज तो आप तभी कर सकते हो जब पोजीशन लॉस्ट हो गई हो, क्योंकि अगर पोजीशन लॉस्ट नहीं है तो अपने पास लीन है, हाँ कि ना. तीसरा, राइट ऑफ रीसेल. राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल बायर तभी कर सकता है जब उसके पास गुड्स की पोजीशन हो, एज सिंपल एज दैट. लेकिन जब राइट ऑफ रीसेल करेगा तो गुड्स दो प्रकार के होंगे, एक होगा पेरिशेबल गुड्स और एक होगा नॉन पेरिशेबल गुड्स. अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, सबसे पहली बात तो अगर रीसेल करना है तो उसको बायर को नोटिस देना पड़ता है, भाई बायर बायर मैं रीसेल कर रहा हूं, अगर तू पैसे नहीं दे रहा है तो 7 दिन 10 दिन 1 महीने का टाइम, डिपेंडिंग कितनी कीमत है गुड्स की उस हिसाब से उसको क्या देना है, नोटिस. अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो आपको नोटिस भी देने की जरूरत, क्योंकि पेरिशेबल नेचर का कब नोटिस देंगे? 7 दिन बाद कब वो रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई करने के बाद तब तो खेल खत्म. तो रीसेल के समय अगर पेरिशेबल गुड्स है आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, नॉन पेरिशेबल गुड्स है आपको नोटिस देना है. नोटिस देने के बाद वेट करना है, वेट करने के बाद अगर उस दिन में भी पैसे नहीं देता आप बेच सकते हो. मान लो आपने नोटिस नहीं भेजा और कॉन्ट्रैक्ट था 100 नहीं कॉन्ट्रैक्ट था अपने पास एक मेरी बुलेट का, हाँ कि ना, हमारी डील फिक्स हुई थी 90,000 रुपए में, मैंने नोटिस दिया 7 दिन में अगर तू पैसे नहीं देता है मैं इसको रीसेल कर दूंगा, हाँ कि ना. 7 दिन बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, 10वें दिन मैंने बेच दी 1,10,000 में बिकी, मेरे को 20,000 का फायदा है. क्या मेरे को उसको बायर को देना पड़ेगा क्या? नहीं. लेकिन अगर नोटिस नहीं देता तो मेरे को ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट देना पड़ता. क्यों? हो सकता है वो भी किसी से आगे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हो, मेरे से 90,000 में बात किया, आगे किसी से 1,10,000 में होगा, और आपने सोचा भाई ये तो 90 में ले रहा था, इसको नोटिस दूंगा तो ये आ जाएगा खरीदने, बिना नोटिस के मेरे पास ग्राहक खड़ा 1,10,000 का, मैं इसको बेच देता हूं. बेटा उसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या जो उसने अपने किसी पार्टी के साथ किया था? तो अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो आपको पैसे उसको प्रॉफिट देने पड़ेंगे. सर नोटिस नहीं दिया और 90,000 की बदले 70,000 में गाड़ी बिकी, नुकसान हुआ वो भी नहीं मांग सकते. लेकिन सर वही नोटिस देता और 90,000 की गाड़ी 80 में बिकती तो 10,000 का डैमेज मांगते. तो नोटिस का इंपॉर्टेंस अच्छा खासा है. सर मान लो नोटिस दिया, 90,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया था और 80,000 में गाड़ी बेचा, लेकिन सामने वाले ने 10,000 रुपए एडवांस दे के रखे थे, एडवांस को भूल जा तेरा एडवांस गया क्योंकि मैंने उसको डैमेज के साथ सेट ऑफ कर लिया, हाँ कि ना, समझ रहे हो क्या?
पक्की बात है. दिस इज ऑल अबाउट राइट ऑफ रीसेल. ठीक. दूसरा, जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है. दूसरा, जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है. तो भाई ऊपर के तीन राइट मिल रहे थे जब प्रॉपर्टी पास हो चुकी थी. नीचे के एडिशनल राइट है. एडिशनल मतलब ऊपर के तीन तो है ही, एक एक्स्ट्रा है. व्हेन प्रॉपर्टी नॉट पास्ड, तो बोले जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है मैं डिलीवरी भी नहीं दूंगा गुड्स का. एज सिंपल एज दैट. सिंपल, उसमें कुछ समझने का नहीं. राइट टू सेल, राइट टू सेल, ये है अगेंस्ट द बायर. वो अगेंस्ट द गुड्स था. अगेंस्ट द बायर मतलब बायर के खिलाफ क्या का राइट है. बायर के खिलाफ प्राइस मांग सकता है. बायर के खिलाफ डैमेज. डैमेज कब, जब बायर खरीदेगा ही नहीं. हाँ के ना. तीसरा, वो इंटरेस्ट मांग सकता है. मजे की बात ये है, आप इंटरेस्ट तभी मांग सकते हो जब आप प्राइस मांग सकते हो. इंटरेस्ट आप तभी मांग सकते हो जब आप प्राइस मांग सकते हो. फॉर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, श्रेयांक के लिए मैंने गुड्स रेडी करके रखे हैं. हाँ कि ना. और श्रेयांक को बोला आके लेके जा. श्रेयांक बोला एज सून एज पॉसिबल आता हूँ, लेके जाता हूँ. मैं श्रेयांक को बोला जल्दी आके ले जाना, मेरे गोडाउन में जगह नहीं, मेरे को अपने भी गुड्स स्टोर करने हैं. श्रेयांक उस दिन आया ही नहीं सामने वाले गोडाउन पे. मैंने भाड़े पे इसके गुड्स रखवाए अपने पैसे से. हाँ कि ना. फिर श्रेयांक अगले दिन आया, मेरे को प्राइस पे किया. हाँ कि ना. प्राइस पे किया, लेकिन सामने वाला का जो नुकसान हुआ ना, डैमेज पे जो गोडाउन के, वो पे नहीं किया. मैंने बोला नहीं दूंगा गुड्स जब तक डैमेज पे नहीं करेगा. हाँ कि ना. आप ऐसा नहीं कर सकते. डैमेज के लिए आप गुड्स को रिटेन, और डैमेज पे आप इंटरेस्ट नहीं मांग सकते. सिर्फ डैमेज का अमाउंट मांग सकते हो. आप इंटरेस्ट किसमें मांगोगे, प्राइस में. यानी कि जिस दिन प्राइस पे होना था उस दिन पे नहीं हुआ, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा जितना लेट आप करोगे. हाँ कि ना. पक्की बात है. एक बार मेरे को नजर मार रहे तो कुछ बचा तो नहीं है. चलो बेसिक तो चीजें कवर हो गई है. अच्छा, और एक बात जो अपने ये पढ़ा है ना कि राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर, बायर के भी सेम राइट्स है अगेंस्ट द सेलर. समझ में आई क्या बात. हाँ, कि वो डैमेज मांगेगा, वो स्यू करेगा इंटरेस्ट के लिए, वो सारे सेम राइट है. बस अपोजिट करना है ऑक्शन से. जब गुड्स लॉट पे बिकते हैं, लॉट पे यानी कि क्या, वो बैगेज बैटल्स आता है, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके लाइन से क्या रखे रहते हैं, बैगेज. हर बैगेज के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ही आपको मानना है. हाँ कि ना. कंप्लीट कब होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आप हैफॉल ऑफ एमआर होगा और आप जब बिड को क्लोज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. एक रिजर्व प्राइस है. रिजर्व प्राइस का मतलब सेलर जब गुड्स बेचेगा तो बता देगा रिजर्व, कि बोली लगेगी तो 10,000 के ऊपर ही लगेगी, 10,000 के नीचे नहीं लगेगी. तो वो बता सकता है लिमिट, ये रिजर्व रहेगा और ये अपसेट प्राइस रहेगा. तो रिजर्व रहेगा 10,000 और बोले ज्यादा से ज्यादा जाएगा 1.5 लाख पे, इसके बीच में जितनी बोली लगानी लगा लो, ऐसा वो बोल सकता है. वेलकम मूवी की प्रिटेंडेड बिडिंग तो आपको पता ही होगी. जबरदस्ती प्रोवोक किया जाता है कि मैं इतना बोली लगाऊंगा उतना बोली लगाऊंगा. वेलकम मूवी नहीं, अनिल कपूर की जो जबरदस्ती अपन उसमें बोली लगाते जबकि कीमत होती ही नहीं है, इसको बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग. बाकी लोगों को प्रोवोक करना, रे बाप रे इतनी महंगी है हमको क्यों नहीं लग रहा है, बोले कुछ तो बात होगी, हाँ 1 करोड़. आप उनको प्रोवोक कर रहे हो ऐसे प्रिटेंड करके कि उसकी कीमत ज्यादा है. तो जिसको ऐसे पता चला कि आपने उसको प्रोवोक किया, उसके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइडेबल. हाँ कि ना. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से वी आर डन. कितने देर का ब्रेक चाहिए, हाँ लंच अभी किधर, लंच क्या, ठीक है ठीक है. हाँ डबल ब्रेक मिल जाएगा, है कि नहीं. हाँ बंद हो.